है कि मेरे तजुर्बे मेरी खामी नहीं नमत हैं पहले हम हंसी हुआ करते थे आज खूबसूरत है कोई गैर क्या हमारे दिल को पमाल करता ये तोहफा तो बस से मंजूर था थे हम भी जहीन किसी ज़माने में मेरे हबीब बस तेरे आश ना होते तो कमाल होते हैं हम बहुत कुछ बेयर करते हैं जिंदगी में आप देखेंगे बड़े होते होते हम अपने दादा को गुजरता देखते हैं दादी को गुजरता देखते हैं हार्ट ब्रेक्स देखते देखते हैं आ, हमारी बुरे देखते हैं हमारी जनरेशन रिजल्ट्स बुरे ऐसे ऐसे फेलियर्स एक्सपेक्ट नहीं किया दोस्तियां बनती हैं टूटती हैं हम बहुत कुछ देखते हैं एक दिन माँ बाप को बुढ़ा होते देखते हैं मेरा माना इंसान बहुत काबिलियत रखता है बहुत स्ट्रॉन्ग बहुत स्ट्रोंग होता है पर जब वो कहीं दिल हारता है ना वो वहां घुटनों पर बैठ जाता है तो ये जो मेरा दिल आज टूटा है ना ये मैं सिर्फ तुम्हारा बर्दाश्त कर सकती थी किसी और में इतनी हिम्मत नहीं है वो कौन इंसान है जो मोहब्बत से वाकिफ नहीं होते और वो खुद को इंसान क्यों कहते हैं अगर मोहब्बत मोहब्बत से वाकिफ नहीं होते ये सिर्फ आशिकी की शक्ल नहीं है, है। मोहब्बत तो मोहब्बत है मुसाफिर की जिंदगी के सबक उसकी जिंदगी की बेड़ी भी है जब आप जिंदगी में कुछ सीख लेते हैं ना आप दुनियादारी के सांचे से बाहर निकल जाते हैं ना गिला ना शिकवा ना गम है मगर कुछ आगाही होती तो दिल गमों का होता के एक मोहब्बत का बस इतना सा फसाना मोहब्बत का बस इतना सा फसाना है कि सिमटे तो दिले आशिक पहले तो जमाना है आज का जो पॉडकास्ट है वो हमारा बहुत ज्यादा खास है क्योंकि आज पहली बार पहली बार हमारे चैनल पे मोहब्बत की बात होगी आज की जो हमारी गेस्ट हैं वो पोइट्री वगैरह करती हैं और पोयट्री मोहब्बत को लेकर करती हैं तो मोहब्बत की बात पहली बार होने जा रही है तो इस पॉडकास्ट को एंड तक देखिएगा आपको बहुत मजा आएगा तो चलिए वेलकम करते हैं हमारी गेस्ट का ओके मनत वेलकम टू हिमकर हॉटलाइन थैंक यू सो मच थैंक यू कैसे हैं आप मैं एकदम बढ़िया आप कैसे हैं एकदम बढ़िया फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर कमिंग नहीं आपका शुक्रिया आपने मुझे बुलाया ओके मनत अपने बारे में बताइए मैं जम्मू से हूँ Okay. और मेरी सारे के सारी तरबियत वहीं से हुई है और पढ़ाई भी वहीं से हुई है वहीं पे मेरा मेजर बचपन इवन जवानी गुजरी है आज भी जवान मतलब है मतलब इनिशियल जवानी वहीं से गुज़री है उसके बाद आ, मैंने इंजीनियरिंग की है और उसके बाद मैं अपने एम के लिए फर्स्ट टाइम एवर जम्मू कश्मीर से बाहर आई थी अपनी एम के बाद मैंने कॉरपोरेट में को ज्वाइन किया और मैंने वहाँ पे काम करना स्टार्ट किया रही राइटिंग की बात अगर आप पूछें तो वो मैं बहुत मतलब टीन थी मैं तब से लिख रही हूँ okay, आप कुछ बता सकते किस एज से आपने राइटिंग स्टार्ट की थी ओके थीटीन okay. uh, जब मैंने जब मैं कुछ कुछ लिखने की कोशिश कर रही थी बट मेरे पास एक बहुत ही ऐसे uh, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्सा है आपको बताने के लिए जी प्लीज सो so, मैं सेकंड क्लास में थी मतलब मैं आपको बता रही हूँ कि राइटिंग आपको ना अचानक से होती नहीं है आप ये नहीं सोच सकते कि सेवेंटीन uh, ईयर्स में अचानक से एक दिन मैं सुबह उठी और मैं राइटर थी मुझे लगता है जब आप कोई भी तरह के आर्टिस्ट होते हैं ना चाहे राइटर चाहे पेंटर डांसर वो एक इनेट क्वालिटी आप में कहीं कही ना कहीं होती है हमेशा से शायद अगर आप सिंगर हैं जो फ्यूचर में बनने वाले हैं आपको सिर्फ एक पॉलिशिंग की जरूरत होगी आपको ताल धुन इसकी ना समझ आहिस्ता आहिस्ता बचपन में ही थोड़ा थोड़ा कुछ क्लैरिटी आ रहा होगा ठीक है ऐसे ही क्या हुआ था जब मैं सेकंड में थी तो हम मुझे आज भी याद है हमारी सेकंड की क्लास टीचर ने ना एक ऐसे दिया था लिखने को गार्डन पर ओके okay. uh, और दिया था इंग्लिश में लिखने को और सेकंड क्लास के बच्चे को अंग्रेज़ी क्या ही आती है मतलब कुछ नहीं आती है तो उनका सारा आइडिया ही ये था कि ये खुद लिखेंगे तो शायद इनकी लैंग्वेज इंप्रूव होगी Uh, तो मैंने भी वो लिखा जितना मैं लिख सकती थी सेकंड क्लास में जितना मुझे समझ आता तो और फिर हम क्यू में लग जाते थे, थे ना सारे नोटबुक्स चेक करवाने तो मैं क्यू में थी तो मेरे आगे वाले लोगों को मिल रहा था एक्सीलेंट वेरी गुड स्टार्स वो बचपन में मिलते थे तो जब मेरी नोटबुक गई तो मैम ने ऐसे चश्मा पहना था चेक करते रहे मैं ऐसे नीचे किया ऐसे करके मुझे देखा स्माइल किया और फिर वो लाल लाल गोले मारना स्टार्ट कर दिए तो मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने बहुत गलतियां की और मेरे पीछे वाले क्यू में जितने लोग थे ना वो करे वो जो बच्चे बचपन में से करते थे तो मुझे लग रहा था मैंने पता नहीं क्या ही लिखा है एंड नीचे मैम ने लिखा एक्सीलेंट वेरी गुड और स्टार्स दे दिए दिए मुझे लगा वो मेरी मोटिवेशन के लिए कि अभी उदास होकर बैठे ना बात खत्म हो गई मैंने सु... अब बच्चों के लिए क्या होता है बहुत मायने रखता है कि उनकी नोटबुक गंदी नहीं होनी चाहिए जिस पे ये गोले गोले बन जाए ना उनको बहुत शर्म आती है कि ये तो खराब होगी तो मुझे लगा कि मेरा तो बड़ा बेकार हो गया फिर आती थी पीटीएम हर सैटरडेज को होती थी तो मेरी पेरेंट्स की जो मीटिंग हुई वहाँ पे मेरी मैम ने मेरे फादर को एक बात कही कहते यू नो वॉट शी विल बिकम अ राइटर डे सेकेंड क्लास में मेरी मैम ने पी में मेरे पापा को बोला और पापा कहते अच्छा क्यों तो कहते मैंने कैसे दिया था गार्डन पर लिखने को मेरी मैम ने बोला कहते मैं बहुत अच्छा लिखा था बाकी उन्होंने उन्होंने लिखा था कि आई सॉ गार्डन देर वॉज ग्रास देर वॉज बटरफ्लाई स्विंग्स ये वो कहते मन्नत का ऐसे आया ग्रामेटिकली उड़ा हुआ था एकदम <laughs> क्योंकि मुझे हैड हैव डज डू कुछ भी नहीं पता था मतलब सेकंड <laughs> <second> में बट <laughs> उसने ना सेंटेंसेस नहीं लिखे वो कुछ लिखने की कोशिश कर रही थी पर उसे लैंग्वेज नहीं आती थी अब वो क्या लिख रही थी कि आई वेंट टू गार्डन विंड वॉज फ्लोइंग आई स्माइल्ड आई क्लोज माई आईज आई वॉज राइटिंग इट एट द एज ऑफ यू नो दैट एज when आई was इन <laughs> <in> second ग्रेड <grade." laughs> तो वो कहती कि मेरे को बस वो दो तीन टूटे फूटे सेंटेंसेस देख कर ही समझ आ गया कि ये ये नहीं सोच रही है कि मुझे वहां स्विंग दिखा ये प्रॉबेबली सोच रही है इस पे बैठो तो कितना मजा आता है कितनी खुशी मिलती है आ, मतलब ये थोड़ा सा क्रिएटिव है अपनी थिंकिंग में तो उसने पापा को कहा कि अगर ये इसको थोड़ा पॉलिश करेगी बिकम अ राइटर वन डे तो मैंने हालांकि लिखना मतलब टू आंसर योर क्वेश्चन सेवनटीन ईयर्स की एज में मैंने डायरी पे कुछ पेंट डाउन करना स्टार्ट किया पर उससे पहले ही मैं थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ जैसे कुछ लिखते रहते थे मतलब वो भी स्कूल नोटबुक्स में इंग्लिश में आप क्रिएटिव हो सकते हो या जहाँ पे आता है कि डिफाइन द कैरेक्टर ऑफ सो एंड सो पर्सन इन दैट चैप्टर तो वहाँ पे आप कुछ क्रिएटिव हो सकते हो तो मुझे लगता है ये क्वालिटीज आप में ना आहिस्ता आहिस्ता पहले से होती हैं एक दिन आके जब आपको थोड़ी बहुत दुनियादारी की समझ आने लगती है ना तो वो फैलती हैं तो वैसा ही कुछ हुआ था बट ये बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट था जो आपके टीचर ने बोला था उस टाइम हाँ, नहीं। नहीं। लिख रहे <laughs> मतलब <laughs> हाँ, मतलब उन्होंने उस समय ही थोड़ा सा प्रिडिक्ट किया था की कुछ लिख लेगी कभी इन फ्यूचर कहते हैं कि जुबान पे कभी कभी सरस्वती बैठी होती है तो उस टाइम पे मैम ने बोला और वो आज सच हो गया है एकदम कमाल की बात है अपने सारी पढ़ाई जम्मू एंड कश्मीर से की है या फिर Uh, मैंने अपनी इंजीनियरिंग तक की पढ़ाई uh, जम्मू कश्मीर से की है उसके बाद मैंने जब एम किया मैंने एम सप्लाई चेन में किया था तो वो करने के लिए मैं ग्वालियर गई थी हाँ ओके या तो तब मैं फर्स्ट टाइम एवर निकली थी और uh, इतना फनी है कि मेरे पेरेंट्स को ना बिल्कुल समझ नहीं आता था जे के बॉर्डर के बाहर की एक लाइफ भी है तो okay. मुझे आज भी याद है मेरी मम्मा मुझे छोड़ने गई ना तो उन्होंने hmm. ना वापस आते टाइम पापा के आगे कि रोना स्टार्ट किया कहते हम तो उसको परदेश में छोड़ा छोड़ाए मेरी मम्मा के लिए परदेश हो गया सब कुछ क्योंकि उनको वो कभी निकले ही नहीं थे उनके लिए बहुत अजीब था इनफैक्ट मेरे लिए बहुत अजीब था मैं जब फर्स्ट टाइम आई मैं एकदम हॉस्टल रूम लॉक करके बैठी रहती थी बिकॉज मुझे सोशली uh, बाहर आना नहीं मतलब समझ नहीं आता था मैंने कभी बाहर देखा नहीं था कुछ नॉट डैट कि बाहर का कोई इंसान एलियन होगा बट आपके माइंड में होता है ना आप अपने एरिया रिस्ट्रिक्टेड इतने होते हो हाँ. कि मुझे कुछ समझ नहीं आता था बाहर के लोगों का अच्छा वहाँ का कल्चर ऐसा है कि लोग वहाँ से बाहर नहीं जाना चाहते या ऐसा लगता है कि जम्मू कश्मीर से बाहर निकले तो हमारे लिए अनसेफ होगा या कुछ ऐसा कुछ भी करते? नहीं जम्मू कश्मीर अच्छा। के लोग बाहर जाके सोचे हमारे लिए अनसेफ होगा बाहर क्या बात कर रहे हो ठीक है कुछ ऐसा ही मैं पूछना चाह रहा था डायरेक्टली नहीं पूछा नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं था मुझे लगता है कि यूजली ये स्मॉल टाउनर्स की प्रॉब्लम होती है आप आ, अपने घर में आप मतलब इतने ज़्यादा कंफर्टेबल होते हो पेरेंट्स की भी उतनी ही विजिबिलिटी होती है उनका उतना ही एरिया उनको प्यारा लगता है आपकी भी स्कूलिंग उतने ही एरिया में हुई होती है चार दोस्त वहीं बन जाते हैं तो आपको लगता है यही मेरी दुनिया है जब आप बाहर जाते हो बड़े वर्ल्ड में मतलब कुछ और देखते हो स्पेशली उस टाइम पे देखना ऐसे बड़ी बड़ी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ मेट्रोज ये सब ये सब मुझे लगता था कौन सी दुनिया ये क्या चल रहा है हमारे हाँ? शहर में तो सब कुछ पांच किलोमीटर की रेडियस पे तो होता है <laughs> इतना छोटे तो शहरों तो... ही हाँ, रहता हाँ, है ना वैसा तो सकता। वो थोड़ा एक इनहिबिशन था स्टार्ट में बट आ, सच कह रही हूँ मेरी लाइफ का बेस्ट फेज जे एंड के से बाहर निकल के शुरू हुआ है नॉट हाँ? बिकॉज की कुछ करियर में इंप्रूवमेंट मतलब वो भी एक फैक्टर है पर्सनल इम्प्रूवमेंट मैंने जो क्राउड ढूंढा अपने लिए इन टर्म्स ऑफ फ्रेंडशिप इन टर्म्स ऑफ कोलेबोरेशन कुछ नहीं तो नॉर्मल गुफ्तु के लिए मुझे दुनिया के सबसे अच्छे लोग बाहर मिले हैं फॉर सम रीजन तो स्मॉल टाउन के बाहर भी दुनिया होती है बहुत बेहतरीन होती है ओके <laughs> <laughs> okay, मनोत आप ये बताइए कि पोइट्री की तरफ ही आपका प्यार क्यों बढ़ा कुछ और क्यों नहीं आई नो आप लिखते थे आपने बताया बट पोइट्री ही क्यों पता नहीं इसका सही जवाब क्या है हम्म पर मुझे ना हमेशा से लिरिक्स बहुत पसंद थे म्यूज़िक तो बहुत खूबसूरत होता ही है जब गानों में पढ़ता है पर मैं हमेशा जब भी कोई सॉन्ग सुनती थी ना तो मैं उसके लिरिक्स पढ़ने के बाद उसके राइटर ढूंढती थी क्योंकि मुझे लगता था किसी ने ये कैसे सोचा मतलब ये क्या आया उसके माइंड में हाँ? इतनी खूबसूरत बात क्यों लिखी कैसे सोच मतलब पता नहीं मुझे कुछ अच्छा लगता था और मुझे लगता है एज सच मुझे ना पता नहीं था जब मेरा कोई रुझाव बना ना किसी चीज़ पर वो आई गेस शब्दों की तरफ बना लफ्जों की तरफ बना पोएट्री मुझे पता नहीं थी होती क्या है आ, इस ये मतलब इस ये एक पोइट्री तो एक वो हो गया ना एक बहुत ही सिस्टमैटिक रिप्रेजेंटेशन हो गया वर्ड्स। hmm. तब तक कुछ इतना पता ही नहीं था कि इसको किसी सांचे में ढालना भी होता है तब जाके इसको बोलेंगे पोइट्री फिर इसको जाके बोलेंगे शेर फिर इसको जाके बोलेंगे नज्म फिर बन जाएगी मेरी गजल इतना तो कुछ था ही नहीं बस ऐसे पता था कि लव्स कहीं बड़े बड़े ही अच्छे से सोचे जाते हैं और बड़े अच्छे से एक सेंटेंस लिख कितना खूबसूरत सेंटेंस लिख दिया यू नो you know, ऐसा तो मुझे वो चीज़ें कैच करती थी स्लोली एंड स्टेडिली जब राइटिंग कैच करने लग गई और लिखने लग गए तो आ, फिर मुझे खुद में राइम स्कीम बनाना अच्छा लगता था उसका इनिशियली ना सबके माइंड में यही होता है कि कोई भी चीज़ लिखी जाए ना तो वो एक राइम स्कीम में लिखी जाए तो ही खूबसूरत होती है आ, तो मैं कोशिश करती थी कि मैं हर चीज को किया दिया पिया निया ऐसा करके okay. एक राइम में करने के लिए उसको करूं तो वो मेरा एक फर्स्ट एवर ट्राई था टू उसको एक पिक्चर देने का okay. एक फ्रेम एक फ्रेम देने आ, का फिर स्लोली एंड स्टेडली मुझे रियलाइज हुआ कि फ्रेम सिर्फ एक राइम स्कीम नहीं देती है लेंथ ऑफ लाइन्स इवन अगर उसका राइम नहीं बन रहा जिसे हम अक्सर नज्म कहते हैं कि मतलब आप लिख रहे हैं पर वो फ्री वर्ड्स है उसका कुछ भी बन नहीं रहा ऊपर से लेके नीचे तक कुछ है नहीं बट uh, आप कुछ एक पैरामीटर्स माइंड में रखते हैं कि जब आप बोल रहे हैं तो उनका टाइम स्टैम्प सेम जाए तो वो एक लय ले पकड़ लेता है खुद में यू नो रैप भी ऐसा ही होता है कुछ कि ज़रूरी नहीं है कि उनके लास्ट के वर्ड्स मिलते हों पर वो ना टाइम स्टैम्प इतना क्रिस्प uh, चूज़ किया होता है कि हर चीज़ एक ही टाइम स्टैम्प पे जा रही है तो वो एक फॉर्म ले रहा है uh, तो मुझे लगता है ये चीज़ें मैंने कहीं से सीखी नहीं थी बट जस्ट बिकॉज थोड़ी बहुत रुझाव था टूवर्ड्स क्रिएटिविटी टूवर्ड्स म्यूज़िक थोड़ी अंडरस्टैंडिंग भी थी ऑफ म्यूज़िक क्योंकि मैं हमेशा से इंटरेस्टेड थी और थोड़ा सीखती भी थी तब तो राइटिंग तो पसंद थी तो लिरिक्स बहुत ध्यान से सुनती थी तो वो मैंने सुन सुन के थोड़ा सा एब्जॉर्ब कर लिया था कि इसको ऐसे फिट करेंगे तो वो एक अच्छा पिक्चर आता है बस ऐसे करके कुछ क्या बात है मारे तो आपकी कुछ पोइट्रीज हैं जो मैंने नोट डाउन किए हैं

Okay. आ, इस कॉन्सेप्ट का क्या मतलब है कि जब भी वहाँ पे कोई क्रॉकरी टूटती है ना तो वो उसको जोड़ने के लिए गोल्ड का यूज करते हैं ठीक है तो अब जब कोई चीज गोल्ड से जुड़ेगी ना तो वो बहुत ही खूबसूरत लगेगी उसपे गोल्ड लाइन्स होंगी होल आइडिया बिहाइंड दिस कि अक्सर जब आप में कुछ दरारे आ जाए कुछ फ्लॉज आ जाए वो खूबसूरत भी आपको बना सकते हैं जरूरी नहीं है कि पहले आपको एक कप बहुत सुंदर लग रहा था ज़मीन पे गिरा टूट गया बिखर गया फिर उन्होंने गोल्ड से उसकी जॉइनिंग की अब उस पर कुछ नए तरह के डिज़ाइनज आ गए हैं अब और प्यारा लग रहा है तो जब वो टूटता है हम हताश हो जाते हैं कि ये टूट गया मेरा तो बहुत ही पसंदीदा कप था ख़राब हो गया पर जब मैंने उसको गोल्ड की जॉइनिंग दे दी ना तो वो हाँ। बहुत ही सुंदर लगने लग गया तो किरसू की कॉन्सेप्ट यही कहता है कि आपकी ज़िंदगी में अगर कुछ फ्लॉज आए तो वो कई बार कुछ बहुत ही खूबसूरत आपको एक शक्ल दे देते हैं आपको हाँ। बहुत ही प्यारा बना देते हैं जो आपको उस समय पता नहीं चलता मगर आगे के लिए टाइम के साथ बाद में तो यही किन्सुकी से इंस्पायर होकर मैंने ये लिखा था आ, अगर आप मेरे पेज पे भी देखेंगे जब मैंने ये लिखा था तो मैंने जो पिक्चर लगाई थी वो यही थी कि एक लड़की का बैक है और उस पर गोल्ड लाइन्स है उसका यही मतलब था कि मेरे जो तजुर्बे हैं मेरे जो एक्सपीरियंसिस हैं ऑफ़ लाइफ वो मेरी खामी नहीं है वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे मुझे डीमोटिवेट होना चाहिए या जिससे मुझे शर्मसार होना चाहिए या जिससे मुझे उम्र भर दुखी ही फील करते रहना चाहिए ठीक है तो मेरे जो भी तजुर्बे हैं वो कोई भी धब्बा नहीं है मेरी ज़िंदगी में वो ऐसी चीज़ें कि पहले हम हंसी थे पहले जब आप आ, यंग होते हैं जब मतलब यू नो टीन होते हैं तो आप तब बोलते कि अरे हाँ मैं बहुत पिटी हूँ मैं बहुत ऐसे हूँ वैसे हूँ मतलब तो जो भी जिसको जैसा भी फील आता है मैं बहुत कूल हूँ कुछ भी हूँ तो पहले हम हंसी थे क्योंकि उतनी ही समझ थी दुनिया की आज तजुर्बे हुए चार चीज़ें सीखी अच्छी बुरी जैसी भी पर आज हम वो हंसी से खूबसूरत हो गए हैं क्या बात है उसने सारे तजुर्बों ने हमारी पूरी पर्सनालिटी को चार चांद लगा दी है तो अक्सर आपकी ज़िंदगी में जब कोई लो फेज आता है तो उसका ये मायना नहीं है कि वो आपको अब एकदम ख़राब ही करके गए

स्टेप हो सकता है टूवर्ड्स कि आपका मन करे कहीं बात करने का सस्टेनेबल नहीं है तो जब आप कहीं फ्लॉड्स फ्लॉज के बाद बाहर निकलते हैं ना तो आपके तजुर्बे आपकी पर्सनैलिटी आपको अंदर से इतना निखारते हैं आप ज़्यादा मैं कहती हूँ जहीन हो जाते हैं ज़्यादा समझदार हो जाते हैं आप पूरे निखर जाते हैं आपके डिसीजंस भी इम्प्रूव हो जाते हैं बिल्कुल तो हैंस मेरे तजुर्बे मेरी खामी नहीं नहमत हैं पहले हम हंसी हुआ करते थे आज खूबसूरत है क्या बात है <laughs> आपके बोलने के लहजे का मैं बड़ा फैन हूँ <laughs> <laughs> आपकी कुछ लाइंस और हैं जो कोई गैर क्या हमारे दिल को पमाल करता ये पमाल का मतलब हमें समझाइए और इस पूरे मैं कहूँगी इस पूरी पोइट्री पूरी लाइंस का मतलब हमें समझाइए तो ये पीस है कि कोई गैर क्या हमारे दिल को पमाल करता ये तोहफा तो बस तुझसे मंजूर था थे हम भी जहीन किसी जमाने में, में मेरे हबीब बस तेरे आशिक ना होते तो कमाल होते क्या बात है आ, इसका मतलब है कि अक्सर जब हम कहते हैं ना कि आ, हमने दिल हारा है कहीं पे या हम एकदम बर्बाद हो गए हैं इश्क में मोहब्बत में तो लोग उसको अक्सर हमारी कमज़ोरी समझते हैं पर वो कमज़ोरी नहीं है वो ताकत है क्यों क्योंकि मेरा ये मानना है इंसान ये क्वालिटी रखता है पैदाइशी कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बहुत कुछ बेयर करते हैं ज़िंदगी में आप देखेंगे बड़े होते होते हम अपने दादा को गुजरता देखते हैं दादी को गुजरता देखते हैं अम्म हार्ट ब्रेक्स देखते हैं आ, हमारी जनरेशन रिजल्ट्स बुरे देखते हैं आ, ऐसे ऐसे फेलियर्स देखते हैं जो एक्सपेक्ट नहीं किया दोस्तियां बनती हैं टूटती हैं हम बहुत कुछ देखते हैं एक दिन माँ बाप को बुरा होते देखते हैं पहली मोहब्बत को जाते देखते हैं दूसरी मोहब्बत को आते देखते हैं फिर उसको जाते देखते हैं फिर कहीं ऐसी जगह जहाँ मोहब्बत है मुंह ना खोल पाए वो भी देखते हैं बहुत कुछ हम देखते हैं तो हम मैं ये मानना चाहूंगी हम बहुत स्ट्रांग होते हैं हम बहुत हैं। हम बहुत हैं इमोशनल टर्मोइल से पूरी जिंदगी गुजरते हैं टिल वी डाई हम हम जब अस्सी साल के होंगे हमने पीछे कितनी दुनिया छूट गई होगी हमसे जो आज हमारे लिए बहुत मायने रखती है हमारे माँ बाप होंगे हमारे भाई बहन बहुत कुछ होगा तो मेरा मानना है इंसान बहुत काबिलियत रखता है बहुत स्ट्रांग होता है स्ट्रॉग होता है ये नेचुरल है पर जब वो कहीं दिल हारता है ना वो वहाँ घुटनों पे बैठ जाता है अगर वो जेनुइनली कर रहा है ना वहाँ घुटनों पर होता है अगर आप जेनुइनली किसी से करते हैं ना आपका एक पार्ट है जो इतना वलनरेबल हो गया है आप इतना किसी के सामने झुक गए हो सर झुका चुके हो तो इस पोइट्री के थ्रू मैं यही कह रही हूँ कि ऐसा नहीं है कि ये मेरी कि मैं ऐसा इंसान हूँ कि मैं ऐसे ही बर्बाद हो जाती कहीं भी कोई गैर क्या हमारे दिल को पमाल करता कोई गैर क्या हमारे दिल को खत्म करता तबाह करता ये तोहफा तो बस तुझसे मंजूर था कि क्योंकि तुम मेरे लिए मायने रखते हो तो ये जो मेरा दिल आज टूटा है ना ये मैं सिर्फ तुम्हारा बर्दाश्त कर सकती थी किसी और में इतनी हिम्मत नहीं है कोई गैर क्या हमारे दिल को पमाल करता ये तोहफा तो बस तुझसे मंजूर था थे हम भी जहीन किसी जमाने में मेरे हबीब कहीं किसी जमाने में हम भी समझदार थे ऐसे ही थोड़ी घुटनों पे आ जाते थे बिल्कुल <laughs> थे हम भी जहीन किसी जमाने में मेरे हबीब बस एक गलती होगी कि तेरे आशिक ना होते तो कमाल होते क्या बात है <laughs> बहुत ही खूबसूरत <खुष्षुरत> लाइन से <laughs> मुझे ऐसा लगता है कि आपकी जो लाइन्स है उसमें मोहब्बत मुसाफिर इन सबको बहुत ज्यादा आपने एक्सप्लेन किया है मैं बस ये पूछना चाहता हूँ मोहब्बत से कभी वाकिफ हुए ही होंगे आप ऑफ कोर्स तो इसके बारे में थोड़ा बताइए मैं, मैं आपसे पूछना चाहती आपको क्यों लिखते हैं आप तो? ये बताइए मैं, आपसे पूछना चाहती कि हुँ। वो कौन इंसान है जो मोहब्बत से वाकिफ नहीं होते और वो खुद को इंसान क्यों कहते हैं अगर मोहब्बत से वाकिफ नहीं होते और जब मैं मोहब्बत की बात कर रही हूँ तो मैं ये नहीं कह रही कि एक लड़का लड़की की मोहब्बत मतलब मैं सिर्फ उसको वो शक्ल की बात नहीं कर रही हम हम पैदा ही मोहब्बत में ना एकदम डूबे हुए हुए हैं सना हुए हुए हैं क्यों क्योंकि पैदा होते हुए हमारे माँ बाप से मोहब्बत होती है आप एक दिन अब एक कुत्ता पाल लेंगे ना या बिल्ली पाल लेंगे आपको अपने पेट से मोहब्बत हो जाएगी आप स्कूल जिसके साथ जाते हैं ना जिस दोस्त के साथ रोज उसके साथ बड़े होंगे आपको उससे मोहब्बत हो जाएगी मोहब्बत सिर्फ आशिकी की शक्ल नहीं है मोहब्बत तो मोहब्बत है ये तो बस ऐसे बहती है ये तो ये तो वैसा लगाव है जो इतना जहनी इतना करीब होता है आप मरते दम तक कई लोगों को बहुत ही आप मतलब आपके माँ बाप आप उनको उनके मेरा सोच नहीं सकते जिंदगी वो मोहब्बत नहीं है वो मोहब्बत है एकदम तो मुझे लगता है आ, मैं अगर मोहब्बत पे लिखती हूँ तो ऐसा नहीं है कि वो आशिकी है एकदम मुझे लगता है मुझे द आइडिया ऑफ दिस अटैचमेंट ऑफ दिस क्लोजनेस टुवर्ड्स एनी थिंग जो जिस पर हमारा दिल आ जाता है मैं ये आइडिया को एक्सप्लेन या इसको ना वर्ड्स में पिरोने की थोड़ी सी काबिलियत रखती हूँ पर मुझे लगता है हम सब में ये हिस्सा है हो सकता है कि ऐसे चंद लोग हैं जिनको किसी गैर इंसान के लिए ऐसा महसूस ना हुआ हो अपने माँ बाप के लिए होता होगा किसी दोस्त के लिए होता होगा अपने घर पे कुत्ते के लिए होता होगा बिल्ली के लिए होता होगा वो भी एक शक्ल ही है um, मुझे लगता है एक ऐसी चीज जो हमें ना एकदम अलग करती है फ्रॉम एनी अदर थिंग इन द वर्ल्ड इज मोहब्बत इज इमोशनल केपेबिलिटी ऑफ ह्यूमन आप इंसान हैं क्योंकि True. आप एहसासों को समझ सकते हैं बिल्कुल तो यही एक लौता डिफरेंस है आपका और किसी और जानवर का या किसी और जीव का किसी और स्पीशीज का तो आ, मुझे आइडिया मुझे समझ नहीं आता था कि आ, मैं सुबह उठ के ऑफिस जाके घर आके और सोने के लिए इसके लिए तो नहीं पैदा हुई हूँ एटलीस्ट और कोई इंसान इसके लिए पैदा नहीं होना चाहिए <laughs> अगर किसी को लगता है ना कि मेरा जीवन सुबह उठ के एक्सेल बनाना है सिर्फ और शाम को सोना है तो उसको अपनी लाइफ रिवाइज करनी चाहिए उसको अपने गोल्स रिवाइज करने चाहिए तो मुझे लगता था अगर मैं अगर मैं आ, कुछ महसूस नहीं कर सकती किसी के लिए मेरे माँ बाप हों कोई इंसान हो कोई भी तो मेरी एग्जिस्टेंस का क्या फ़ायदा तो ये ये चीज़ मुझे हमेशा से मेरे माइंड में रहती थी हैंस और मेरी बहुत सी राइटिंग्स मोहब्बत से इंस्पायर्ड हैं Uh, मोहब्बत में एकदम मतलब द आई लव दिस वर्ड मुझे बहुत ही प्यार है इस में समझ गया था आपकी हाँ. <laughs> uh, आपने दूसरा लफ्ज यूज किया मुसाफिर हाँ जी ये भी मेरा बहुत पसंदीदा लफ्ज़ इस्तेमाल करती हूँ uh, मुसाफिर इसलिए क्योंकि मुझे ना लगता है uh, कितना से, मतलब मुझे मुझे नहीं पता कितने लोग इससे रहा रखते हैं जो मैं कह रही हूँ बट हमारे मेजर डिसीजंस इन लाइफ वो कंडीशनड हैं फ्रॉम सोसाइटी आपको सिखा दिया गया है कि आपकी नौकरी पच्चीस तक लगनी ही चाहिए बिल्कुल। ठीक है अगर आप छब्बीस पे पहुंचते हो आपको फेलियर फील होना स्टार्ट हो जाएगा क्यों किसने कहा आप फेलियर हैं छब्बीस में छब्बीस भी एक यंग लड़का है यंग लड़की है उसको अपना वक्त ले सकती है बिल्कुल, बिल्कुल। ले सकता है पर नहीं क्योंकि आपके माइंड में ना बचपन से संभाव ये बात डल गई थी कि पच्चीस तक नौकरी होनी चाहिए एक इनेट वैसे ही सोसाइटी कंडीशनिंग की हुई है हमारी कि तीस तक आपकी शादी होनी चाहिए अगर आप इकतीस पे पहुंच जाएंगे आपको खुद में लगने लग जाएगा कि अरे शादी नहीं हुई मेरी शादी नहीं हुई ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ मुझे ऐसा लगता है कि हमारी मेजर थिंकिंग इतनी ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड है फ्रॉम सोसाइटी जिनको खुद का नहीं पता है आ, जिनको खुद का भी नहीं true, पता true. तब मैं कहती थी कि बेसिकली मैं इस मैं मेरे को मैं रखती ही नहीं इससे बिल्कुल भी सर्कल में मुझे पढ़ना ही नहीं है

सबको इतना क्लियर टारगेट्स मिले हैं ऑफ लाइफ वो टारगेट्स अचीव करने में लगे हैं हालांकि चल रहे हम सब सेम जर्नी पे हैं hmm. जाना हम सब मरना हम सबको है तो मेरा ये मानना है कि मैं मुसाफिर हूँ आप मुसाफिर हैं हम सब मुसाफिर हैं हम अपनी अपनी जर्नी में चीज़ें एक्सपीरियंस करते चल रहे हैं कई चीज़ें मेरी जिंदगी में पहले अच्छी हो जाएंगी आपकी ज़िंदगी में बाद में अच्छी होंगी कई आपकी ज़िंदगी पहले अच्छी हो जाएगी मेरी जिंदगी बाद में अच्छी होंगी कई चीज़ें मेरा दिल बहुत बार तोड़ेंगी कई चीज़ें आपका दिल बहुत बार तोड़ेंगी कई चीज़ें उम्मीद से बेहतर हो जाएंगी कहीं चूजी चीजें उम्मीद से गिर जाएंगी अम्म तो मुसाफिर हम सब है ये, तो ये लफ्ज मुझे बहुत पसंद था कि आ, बड़ा खूबसूरत वर्ड है बहुत ही खूबसूरत वर्ड है <laughs> कि मुसाफिर कौन होता है मुसाफिर होता है जिसके पास ना कोई मंजिल नहीं आप उसके पास कोई टारगेट नहीं है वो बस निकला है और हम सबका यही है आप आज अगर सेट करके बैठे हैं ना कि परसों मुझे वहां पहुंचना है बहुत खूबसूरत बात है आज के लिए आपने अपना कल नहीं देखा है आपको ये आप सोच सकते हैं मैं इस मैं ये बहुत सोचती हूँ अक्सर आप सोने जा रहे हैं आपको किसने कहा कि आप सुबह उठने वाले हैं आपको किसी ने नहीं, नहीं कहा है तो जब भी मैं सुबह उठती हूँ ना तो मैं मेरी एक हैबिट बन गई मेरे फादर ने डाली थी मैं सबसे पहले थैंक यू गॉड कहती हूँ आपकी आंखें खुली इससे बड़ा करिश्मा क्या है क्या गारंटी थी आप आंखें खोलते सुबह आपको नहीं पता था आप आप हा, हा। थके हारे घर गए हुँ, हुँ, आप बेड पे गिर गए आपको किसने कहा था कि एग्जैक्टली इस टाइम पे आपकी आंखें खुलेंगी भी किसी ने नहीं कहा था कुदरत ने आपकी उस दिन आंखें खोली आप उठे हैं आपको एक अलग एक नया दिन मिला ये बहुत ही खूबसूरत बात है। इससे बड़ा करिश्मा क्या है मुझे नहीं है। जो हैं, आपके दिमाग में ये डाल दिया गया है कि ये टारगेट है जिस पे आप जिसको आप अचीव करने चल पड़ते हैं तो इसलिए मुझे लफ्ज बहुत अच्छा लगता है और मैं इसमें बहुत चीजें लिखना शुरू कर देती हूँ मुसाफिर बड़ी पसंद मुझे। आ, तो मैंने एक आ, लिखा था नज्म लिखी थी मुसाफिर पर वो लिखी थी मुसाफिर का मुसाफिर ना अपनी जिंदगी में कुछ कैरी करके नहीं लेता उसके पास सिर्फ एक चीज है वो है उसके तजुर्बे बस वो जो जिंदगी से सीखा है ना एक वही है उसके साथ उसका और कुछ बिलोंगिंग नहीं है उसका और कोई सहारा नहीं है वो खुद का सहारा है और उसके पास एक बस उसका तजुर्बा तजुर्बा है जो उसकी आगे आने वाले सफ़र में मदद करने वाला है तब मैंने लिखा था मुसाफिर का यार तजुर्बा मुसाफिर का काम तजुर्बा मुसाफिर का इसबाब तजुर्बा उसकी बिलोंगिंग वही है बस मुसाफिर का हर यार तजुर्बा बस इतना ही है मुसाफिर का और कुछ नहीं है तो जो लाइन्स आप कह रहे हैं वो मुसाफिर पूरी पोइटरी की लास्ट की लाइन थी कि मुसाफिर की ज़िंदगी के सबक उसकी ज़िंदगी की बेड़ी भी हैं जब आप जिंदगी में कुछ सीख लेते हैं ना आप दुनियादारी के सांचे से बाहर निकल जाते हैं hmm. वो आपके अगेंस्ट हो जाता है आप कितनी सारी चीज़ों में ढलेंगे ही नहीं कभी सोसाइटी के लिए आप कितनी बड़ी क्रॉस हो गए हो कितने और जगह पे तो मैंने तब कहा था कि मुसाफिर की जिंदगी के सबक उसकी ज़िंदगी की बेड़ी भी हैं मुसाफिर की मोहब्बत से तमाम उम्मीदें उसके दिले बेचैन का सबब भी हैं उसकी मोहब्बत ठहरेगी नहीं कभी वो मुसाफिर है ना हाँ। मोहब्बत उसके हाथ में रेत से फिसल जाती है एकदम तो मुसाफिर आ, की जिंदगी के सबक उसकी जिंदगी की बेड़ी भी हैं मुसाफिर की मोहब्बत से तमाम उम्मीदें उसके दिले बेचैन का सबब भी हैं मुसाफिर को ना ठहराव ना घर बसाने की सहूलियत मुसाफिर की जिंदगी में भी मुसाफिर ही हैं कि वो घर भी नहीं बसा सकता क्यों क्योंकि उसकी खुद की जिंदगी में भी आने जाने वाले लोग ही हैं उसका उसकी उसकी ज़िंदगी का फ़लसफा यही है तो इसकी लास्ट लाइंस मेरी बहुत फेवरेट थी कि खुशगवार जिंदगी की दुनियादारी से दूर ख्यालों की बेड़ियों के नाम तजुर्बा शायद इसीलिए है मुसाफिर का बदनाम तजुर्बा है <laughs> खुशगवार जिंदगी दुनिया जिंदगी की दुनियादारी से दूर मतलब जो आ, दुनिया दुनिया ना आपको खुश कर देती है पैसा दे देगी शोहरत दे देगी थोड़ा सा नाम दे देगी चार लोग आपको सुबह मिलेंगे तो बहुत अच्छा बोलेंगे आपके बारे नहीं, में नहीं। तो ये होती है खुशगवार जिंदगी एक इंसान अपनी जिंदगी के अस्सी नब्बे साल खूबसूरत से गुजार लेता है ठीक है मुसाफिर इससे दूर है इससे परे है उसकी मिसाल कोई नहीं देगा कि यार नहीं क्योंकि सोसाइटी को समझ ही नहीं आएगा उसका कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ तो खुशगवार जिंदगी की दुनिया जिंदगी की दुनियादारी से दूर है वो ख्यालों की बेड़ियों के नाम थे जुजर्बा वो अपनी ख्यालों की बेड़ियों में बंधा है उसकी उसकी मेजर डिसीजंस उसके ख्यालों में थे ठीक है शायद इसीलिए है मुसाफिर का बदनाम तजुर्बा क्यों क्योंकि वो कभी भी किसी के लिए मिसाल वाला इंसान नहीं है कोई नहीं कहेगा इसके जैसा बनना सब कहेंगे अरे नहीं ये तो पैंतीस साल तक बस ऐसे खोज ही रहा है कुछ इसका तो कुछ अता पता नहीं है अपने बच्चों को बोलेंगे नहीं, नहीं नहीं ऐसा मत बनना हाँ पर वो जो एक भैया है ना जिसने बीस साल की एज में ये अचीव किया वो वो है भैया या वो है दीदी -दी जिसको देखना ऐसे कंपेयर करते हैं तो इसीलिए उसका तजुर्बा बदनाम है क्या बात है आपकी एंडिंग बड़ी खूबसूरत है <laughs> आप पहले ये बताइए सब कुछ पूछने से पहले आप सोचते कैसे हैं? कैसे ख्याल आता है आपको कि मुझे ये लिखना है इस बारे में लिखते है इंस्पिरेशन कहाँ से आती है इन चीजों की कोई इंस्पिरेशन नहीं है मैं आपको बताऊँ कहीं ऐसे भी जैसे मुसाफिर की हम बात कर रहे थे ना मैंने पंद्रह मिनट में लिखा था हाँ? क्योंकि मेरे माइंड में ये वर्ड चल रहा था और मुझे लगता है क्रिएटिवली uh, ना आप अपने आप को बाउंड नहीं कर सकते <laughs> कि अगर मैं आपको आज टाइम लिमिट दे दूंगी ना कि <laughs> मुझे आप कल तक ना इस वर्ड पे कुछ लिख दो तो शायद मैं सबसे ब्लैंक होंगी मैं ऐसे ही बैठी रहूंगी मुझे नहीं आएगा okay. बट शायद जब वो कुछ मूड होगा कुछ स्ट्राइक करेगा तो मैंने पंद्रह मिनट में भी मुसाफिर लिख दिया है <laughs> और मेरी एक और पोइट्री है तुम होते तो बात ही कुछ और होती वो मैंने कॉलेज uh, कैफेटेरिया में खड़े खड़े लिखी थी क्योंकि उस समय वो ख्याल चल रहा था पर ऐसी भी कुछ पोइटरीज है जो मुझे कभी ऐसा कुछ वर्ड मिल जाता है कोई ओकेजन मिल जाता है किस ओकेजन पे लिखना है तो मैंने उस पर हफ्ते दो हफ्ते भी लगाया क्योंकि मेरे मन में वो थॉट नहीं आ रहा तो uh, कुछ ऐसा प्लान नहीं है <laughs> okay. uh, कि कैसे क्या अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जिस टाइम पे जो माहौल चल चल रहा है है या फिर फिर जैसी लाइफ रही जिस मुझे लगता है जब आपने चीजें एक्सपीरियंस की है ना तो जैसे आप कोई लव्स फेंकेंगे तो मेरे माइंड में एक थॉट आई जाएगा कि हाँ जब ऐसी बात हो तो ये तो होता ही है फिर okay. उससे कुछ ना कुछ बनना स्टार्ट हो जाएगा, वैसे कुछ हो जाता है। जेम करते करते है वो हाँ एक्जैक्टली exactly, <laughs> वैसे हो जाता है। अच्छे से लिख जाते हैं। सीक्रेट नहीं बताने किसी को। सीक्रेट तो ही नहीं। गुड गुड मतलब तो जितना भी जितने भी लाइंस मैंने देखी पढ़ी मैं पूरा अकाउंट मेरे पास बहुत ज़्यादा कुछ था नहीं रिसर्च करने को ऑनेस्टली मैंने टीम को भी बोला तो मैंने खुद भी मैं बैठा हुआ था तो मैंने आपको जस्ट इंस्टाग्राम चेक किया था मैं लास्ट पोस्ट तक गया था वो सारे मैंने पढ़ी तो जब मैंने वर्ड्स देखे पढ़े और जो मैं दोस्त के बारे में बता रहा था उनको उनको दिखाया उनको सुनाया तो हम बड़े इम्प्रेस थे कि ऐसे शब्द जब किसी हम अपशायर या किसी पोइट्री या पोइट के साथ बैठते हैं तो कॉन्वर्सेशन अलग होती है बातें अलग होती हैं तो बड़ा मज़ा आता है तो जिस तरीके से आपने लिखा है तो मेरा मन किया कि मैं इसको पूछूं कि आप कैसे सोचते हैं भाई मुसाफिर उसके बाद इतनी सारी जैसे पमाल ये सब वर्ड्स होते हैं बड़े मुश्किल है इनको समझना अगर कोई एक बार में सुने तो उसको ना आए मुझे उर्दू एज ए जुबान उससे बहुत मोहब्बत है उर्दू बड़ी अच्छी भाषा है बहुत ही अच्छी भाषा बहुत खूबसूरत है बहुत ज्यादा खूबसूरत है जब आपको लहजा कहते हैं कि उसमें बड़ा अच्छा बिल्कुल। तो मुझे वो बहुत प्यारी लगती है हाँ, तो जब आप एक अच्छी जब आपको कोई चीज़ पसंद है ना तो आप उसको आप उसमें डीप डाइव करना स्टार्ट कर देते हैं कि हुँ, इसमें और क्या इनफैक्ट ऐसा मेरे साथ ना इंग्लिश में भी होता था एक हाँ। टाइम पे मुझे इंग्लिश लिटरेचर uh, पढ़ना इतना पसंद हो गया था कि मैंने एक ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी रख ली थी और मैंने एक रूल बनाया था मैं रोज पांच वर्ड्स पढ़ती थी उससे निकाल कर एक वोकेबलरीरी बिल्ड करने के लिए तो मुझे लगता है जब आपको उर्दू एज ए जुबान पसंद है जब आपको शायरी

मैंने अपनी दो लाइन्स बोलने से पहले सोचा कि मैं क्या एक्सप्लेन करूँ कि इसका मतलब क्या है तो मैंने कहा था कि जब मोहब्बत में हारा हुआ इंसान जो होता है ना उसको दुनियादारी से अब खौफ नहीं आता उसे कोई डर नहीं होता दुनियादारी से क्यों क्योंकि वो किसी के आगे बेनकाब बेलिबास पहले से खड़ा हो चुका है अब अब उसे अब उसे किसी चीज़ से डर नहीं लग रहा होता उसने उसने दुनिया की सबसे वलनरेबल चीज़ कर ली है तो तब मैंने लिखा कि अब उसको दुनियादारी से खौफ नहीं आता ना और मोहब्बत तो उसको रसवा कर ही चुकी है उसे दुखी कर ही चुकी है तो वो कहता है कि ठीक है अब दिल तो टूट गया अब थोड़ा पैसा कमा लिया जाए थोड़ा नाम कुछ कुछ और कर लें जिससे मन लगा रहे मन लगाने के लिए तो वो दुनियादारी की राह पर चल पड़ता है दुनियादारी के रह गुजर पर चल पड़ता है तब मैंने ये लिखा था कि अब तो दुनियादारी से रोशन रह गुज़र ही है हमारा बसेरा कि हमारा घर अब दुनियादारी से जो रोशन रास्ता है ना वही है क्यों क्योंकि हम दिल बिल तुड़वा चुके एकदम बर्बाद होके आ चुके कुछ नहीं हासिल हुआ है अब हम ये चार काम करेंगे जिससे हम दुनियादारी में एक्सेप्टेबल तो बने तो अब तो दुनियादारी से रोशन रहे गुजर ही है हमारा बसेरा जो दिए मोहब्बत से मुनवर थे जो हमने दिए जलाए थे जो मोहब्बत से रोशन थे हमने उन्हें हथेली से बुझा दिया क्या बात अब हथेली से भुजाने का मेरा क्या मायना था कि आप मोमबत्ती पे हाथ रख के देखिए जरा आप नहीं कर पाएंगे बहुत हीट है बहुत दर्द है हाँ। आप सोचिए वैसे ही दिया दिया पे आप हाथ रख के देखिए उसकी हीट इतनी आप आप ऐसा नहीं कर पाएंगे तो सोचिए एक इंसान कितना हारा है मेंटली तो वो कह रहा है कि जो दिए मोहब्बत से मुनवर थे हमने उस पर पूरा हथेली रख दिया हमने उसे भुझा दिया और हम आगे निकल गए क्यों से अब उसका दर्द का एहसास नहीं हो रहा उसका कोई और दर्द बहुत बड़ा है तो अः अब तो दुनियादारी से रोशन रह गुजर ही है हमारा बसेरा जो दिए मोहब्बत से मुन्वर थे हमने उन्हें हथेली से बचा दिया क्या बात है है बहुत ही खूबसूरत <laughs> आपने जिंदगी को लेकर लिखा है कि जिंदगी के कितने ही अफसाने वो कुछ मैं भूल रहा हूँ आप प्लीज इसको कम्प्लीट करिए ये मैंने लिखा था कि आपकी लाइफ का ना मेजर चीजें आप जो आपने ना गलत की हैं आपको वो तकलीफ नहीं देगी आपको पता है चीजें कौन सी तकलीफ देंगी जो काश में है जो अगर मगर और काश में है अगर ऐसा कर देता मगर <laughs> अगर मगर और काश <laughs> हमारी जिंदगी को कहीं से कहीं ले जाते हैं बिल्कुल। तो आ, मैं तब ये लिखा था कि जिंदगी के ना जाने कितने ही अफसाने एक काश पर मुख्तर हुए खत्म हुए कितने ऐसे अफसाने हमने शुरू किए जो एक काश पर ही रह गए उसके आगे बढ़े ही नहीं क्योंकि जो भी वक्त का उस समय हिसाब किताब रहा कि मौका नहीं मिला या बना नहीं कुछ उस समय या हिम्मत नहीं थी या जो भी था तो जिंदगी के ना जाने कितने ही अफसाने एक काश पर मुख्तर हुए काश कुछ थाम लेते काश कुछ छोड़ देते काश कहीं बाज रखते कहीं नजर रखते काश चंद मोड़ लेते कि यहाँ ना जाके वहां चले जाते आज हम रेट्रोस्पेक्ट में अगर सोचें तो ऐसे बहुत डिसीजन है जो आप सोचेंगे कि यार अरे ट्वेंटी में जो मैंने ये किया था ना इसकी जगह ये कर देता तो ये हो जाता बिल्कुल काश पे हम बहुत चीजें करते हैं तो जिंदगी के ना जाने कितने ही अफसाने काश पर मुख्तर हुए काश कुछ थाम लेते काश कुछ छोड़ देते काश कहीं बाज रखते काश चंद मोड़ लेते ना गिला ना शिकवा ना गम है मगर कुछ आगाही होती तो दिल गमों का इमकान ना होता अगर कुछ समझ होती तो आज दिल में इतना गम नहीं होता आज मेरा दिल गमों का भवंडर है इसमें सब बना है तो कोई गिला नहीं है मुझे कोई शिकवा नहीं है मगर दिल को अगर थोड़ी सी आगाही होती ना तो वो आज गमों का इम्कान ना होता ठीक है तो मैंने उस पर लिखा था कि जिंदगी के ना जाने कितने अफसान ने काश पर मुख्तसर हुए काश कुछ थाम लेते काश कुछ छोड़ देते काश कहीं बाज रखते काश चंद मोड़ लेते शिकवाना गम है मगर कुछ आगाही होती तो दिल गो का इमकान ना होता तमाम कोशिशें और समझ की बहुत कोशिशें भी की और आज बहुत समझ भी है मुझे मतलब ऐसा नहीं मैं कह रहा कि वो काश नहीं हुआ तो आज कुछ तमाम कोशिशें और समझ ना जाने फिर भी क्यों जिंदगी के कितने ही अफसाने काश पर मुख्तसर हुए आज भी बैठ के जब सोचते हैं तो वो काश याद आता है तो उस पर मैंने ये लिखा था बहुत खूबसूरत है <laughs> बहुत ही खूबसूरती से लिखा है आपने ये <laughs> okay. मतलब मुझे बताइए कि आप ओपन माइक्स काफी करते हैं आई hmm. गेस क्योंकि जितने भी मैंने मैंने कुछ देखे हैं आप ओपन माइक्स करते हैं और कब आपने फर्स्ट शो स्टार्ट किया था अपना उसके बारे में थोड़ा सा बताइए uh, मैंने ओपन माइक का फर्स्ट एवर शो ट्वेंटी में किया था सेप्टेम्बर के करीब uh. और ये ऐसा शो है जो कभी पब्लिश ही नहीं हुआ या आया ही नहीं okay. आ, और ये शो की भी बड़ी दिलचस्प सी, सी कहानी है कि मुझे पता ही नहीं था कि पोल्ट्री वर्ल्ड भी है जहाँ पे लोग जाते हैं परफॉर्म करते हैं कोई पोल्ट्री हाउसेज होते हैं या चार लोग ये सुनना भी चाहते हैं मुझे लगता था मैं डायरी पर कुछ लिखती हूँ जो कि मैंने आपको पहले बताया स्टार्ट में कि हमेशा से कुछ कुछ तो स्क्रिबल कर रही थी कोई बहुत ही खूबसूरत ना भी हो मैं कुछ लिख रही थी तो मुझे पता नहीं था मेरी सिस्टर ने मेरे लिए कुछ सर्च करके निकाले कि यार घर पे सैटरडे संडेज को बोर क्यों होती है तो जस्ट गो यहाँ पे तुम्हें तुम्हारे मैं, मेरा एक बहुत बड़ा दिक्कत भी है मैं ना बहुत क्राउड फ्रेंडली नहीं हूँ इजीली मेरा okay. जब एक बार कहीं पे मैं इनमेश हो जाती हूँ थोड़ा समझ आ जा जाता है फिर उसके बाद मैं एकदम फैल जाती हूँ <laughs> तो ऐसा मेरा रहता है तो इनिशियली मैं काफ़ी खुद में रहती हूँ और मुझे लगता है अक्सर जो थोड़े से भी आदसी लोग होते हैं ना वो थोड़े आ, खुद के माइंड में रहने वाले लोग होते हैं थोड़े से लोनर्स होते हैं ये मेरा इशू है मुझे घर पे अकेले रहना बहुत पसंद है मेरा फेवरेट काम है सैटरडे uh, जैसे गुजारना संडे मुझे क्लबिंग इतनी खास पसंद है नॉट ऐसे ही होते लोग मैं मैं लाइक भी लगभग ऐसा मतलब कभी ऐसा किया नहीं है करते हैं ऐसा बीच बीच में वो मेरा एक यूजुअल लाइफस्टाइल नहीं है यूजल लाइफ स्टाइल बहुत काम है जिसमें मैं खुद को खुद के साथ रहना पसंद करती हूँ तो ऐसा ही चलता था मेरा मेरी सिस्टर ने कहा कि थोड़ा लाइक like माइंडेड लोग ढूंढो जहाँ पे थोड़ा सा चिल कर सको क्योंकि मेरे पास उस समय कोई वहाँ फ्रेंड्स नहीं थे तो उसने मेरे लिए कुछ पोल्ट्री हाउसेस सर्च किए और उसने कहा कि यहाँ पे अपना ऑडियो भेजो मैंने कहा ऑडियो कौन सा भेजूँ तो कहती जो तुम डायरी पर लिखे कुछ भेज दो तो मैंने भी ऐसा खड़ा खड़ा बालकनी में ऐसा अपना स्पीकर ऑन करके भेज दिया कुछ फोन से रिकॉर्ड कर फ़ोन से रिकॉर्ड करके और उसके बाद मेरे को दो हफ्ते के बाद कॉल आया कि ऐसे सामने हमने शॉर्ट लिस्ट किया आप आके परफॉर्म कर दीजिए और फ़ोन काट दिया और मुझे उसके बाद समझ ही नहीं आया कि परफॉर्म करने के लिए क्या करते हैं कोई स्लॉट होता होगा उन्होंने कुछ बताया नहीं सीधे फोन कर उन्होंने कहा मेल कर देंगे आपको डिटेल्स मगर आ, मैं तब तक सोच रही थी कि अच्छा करते क्या हम कौन से लोग आते हैं पता नहीं कितने महान राइटर्स होते हैं क्या लिखते हैं मैं तो मेरे को तो आता ही नहीं कुछ मैं तो ऐसे ही मैंने तो ऐसे भेज दिया था ऑडियो एक्साइटमेंट भी हुई कि फर्स्ट एवर टाइम चार लोगों को अपना कुछ सुनाऊंगी मेरे को कभी वो क्राउड नहीं मिला जहाँ पे बैठ के मैं इतनी डीप टॉक्स कर लूँ और मैं हमेशा से ऐसा पर्सन थी जिसका विजन बहुत ब्रॉड था अबाउट लाइफ पर ऐसे लोग नहीं मिले जिनके साथ ऐसी कोई गुफ्तु हो सके तो जब मुझे ऐसा मैं उस चीज़ के लिए ज़्यादा एक्साइटेड थी कि मुझे ऐसे चार लोग मिलेंगे वो कितना खूबसूरत लिखते होंगे मैं उनकी बातें सुनूंगी मेरी बातें सुनेंगे तो कितनी बड़ी बात है मेरे लिए तो मैं वहाँ गई और मैंने वही अपनी जो पहले की पर्सनल डायरी रखी थी मैं वही लेकर चली गई कि इसी को खोल के पढ़ देंगे तो स्टेज पर बैठे मैं स्टेज पर पन्ने पलटे हैं कि ये पढ़ना है ये पढ़ना मतलब ये भी प्रेपरेशन नहीं थी और उन्होंने गाइडेंस दी कि हम पीछे से ना जब बोलेंगे रोल तब बोलना है लाइट ऑन होगी मतलब ये हो रहा है वो हो रहा है थोड़ा सा मतलब वो डायरेक्शन मैंने पहली बार दी कि मुझे स्टेज फेयर नहीं था कभी बिकॉज मैंने स्टेज पे काफी परफॉर्मेंसेस की हुई थी मतलब इन टर्म्स ऑफ सिंगिंग डांस स्टेज फ्रेंडली थी ड्रामा किया था थोड़ा बहुत <laughs> तो uh, मुझे स्टेज फेयर नहीं था तो मैं वहां तक तो चढ़ गई आराम से और मुझे और मुझे उन्होंने कहा जस्ट बी तुमको जैसे बोलना है बोल दो तो मेरा लहजा ऐसा ही था जैसा आज भी है कि मैं ऐसे ही बोलती थी मैंने डायरी खोली और क्योंकि मेरे लिए पैशन है मैं किसी को देख कर इन्फ्लुएंस होकर नहीं लिखा मैंने कोई मॉनिटरी uh, बेनिफिट सोच के नहीं लिखा मैंने फेमस होने के लिए नहीं लिखा मैं तो ऐसे ही लिखती थी बचपन से क्योंकि आप तो इन, आप एंजॉय कर रही थी तो मैंने ऐसे ही डायरी खोला चार लोग बैठे थे तो मैंने उनको सुनाना स्टार्ट किया बहुत एक्साइटेड छोटा बच्चा बहुत एक्साइटमेंट कुछ सुना रहा है कि ऐसा हुआ ऐसा हुआ देखो ऐसा कहते वैसा कहते हैं यू नो और उनको अच्छा लगा तो उन्होंने वो पोस्ट ही नहीं किया उन्होंने कहा कि इसको हमारी हम अच्छा लगा पोस्ट उनको अच्छा एक्चुअली था कि हम उनका एक दूसरा चैनल था कि हम इसको एक लार्जर ऑडियंस के लिए रखते हैं और उनको इतना पसंद आया उनको वो पसंद आया सब तो उन्होंने कहा कि इसको वापस करेंगे तो तुम दो हफ्ते बाद वापस आ जाओ तो मैंने कहा जरूर तो फिर मैं दो हफ्ते के बाद वापस गई तो मेरी जो फर्स्ट वीडियो है कि बस वो मोहब्बत ना मांग ग्यारह जनवरी 2023 को वो रिलीज हुई थी तो फिर वो रिलीज हुई Uh, हालांकि मैंने फ़र्स्ट एवर उससे पहले ही एक बार उनके साथ कर दिया था उसके बाद जब एक बार वो हो गई मुझे आज भी याद है उन्होंने मुझे टेक्स्ट uh, किया था एट थर्टी कि नाइन थर्टी हम इसको रिलीज़ कर रहे हैं और वो मेरा फर्स्ट एवर मैंने अपने आप को कभी स्क्रीन पर नहीं देखा था okay. मैंने अपने आप को कभी यूट्यूब uh, मतलब मैंने कहीं कुछ नहीं देखा था और मेरी हमेशा से बहुत ही प्राइवेट प्रोफाइल वाली पर्सन थी प्राइवेट प्रोफाइल करनी है और क्योंकि मैं लोनर हूँ जब मेरा पब्लिक इंटरेक्शन का मन नहीं करा मैं डीएक्टिवेट करके अपना अकाउंट भेज जाती हूँ मुझे नहीं करने किसी से बात wow, मैं फोन industry. पे से करती हूँ ऐसा मेरा हिसाब रहा <laughs> तो जब मुझे उनका कॉल आया ना कि अभी साढ़े नौ तक हम इसको रिलीज कर देंगे hmm. तो मैं बहुत डर गई कि यार ये तो एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे जा रहा है जहां पे ये रह गया बस गया यू नो एंड इट इज फॉर सच लार्ज सेट ऑफ पीपल टू जज टू लुक एट टू कॉमेंट और मुझे बहुत डर लग रहा था कि मैं ये ये क्या है ये कौन सी दुनिया है जिसके आगे एकदम खुलकर बैठ गए मगर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा आ, तो उसके बाद ए वॉज़ नो टर्निंग बैक थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ आहिस्ता आहिस्ता चलते रहे ओपन माइक्स एक हाउस के साथ दूसरे हाउस के साथ कई बार कॉलेजेस में कई बार कोई मतलब यू नो पर्सनल हमेशा बैठते थे एंड वी वीज टू स्टार्ट परफॉर्मिंग जैमिंग और मुझे करने से ज़्यादा सुनने में मज़ा आता था, था मुझे आ, इतनी पसंद है पोइट्री कोई भी लिखता है ना तो अगर मुझे मुझे मैंने आपको बताया ना जब मैं पहले बात कर रही थी कि मैं हमेशा लि, लिरिक्स पढ़ती थी और मैं कहती थी किसी ने कैसे सोच लिया बस ऐसे ही होता था कि जब आप अपनी पोइट्री सुनाएंगे तो मैं ज़्यादा इंट्रेक्ड रहती थी कि इसने कितनी खूबसूरत बात और कितनी प्यारी सोच ली कैसे सोच ली सो ऐसा कुछ नहीं था कि मुझे स्टेज पर जाना है मुझे बस उस क्राउड में बैठना है और मुझे उस चीज का लुत्फ उठाना है मुझे इतना पता था तो ऐसे ही जर्नी स्टार्ट हो गई तो आपको बस मजा आता था, था मुझे मजा आता है मुझे आज तक तो ऐसा ही है मुझे सिर्फ मजा आता है कोई इंटेंशन नहीं है कि मुझे एक सोशल मीडिया फॉलोइंग बनानी है अगर अगर ये इंटेंशन हो तो इसके 500 और तरीके हैं जो दुनिया फॉलो कर रही है अगर आपको सोशल मीडिया है बहुत सारे तरीके हैं बहुत सारे तरीके और बहुत मीडिया लोग बहुत बहुत कुछ कर रहे हैं मुझे मुझे यकीन है मैं उनसे बेहतर

मैं बहुत सारे एपिसोड्स सकता हूँ करने में इतना मजा आ रहा है बातें तो चलती रहती हैं बिल्कुल <laughs> आजकल मॉडर्न मोहब्बत चल रही है उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं मुझे लगता है अगर कोई पोइट बात करेगा उसके बारे में अच्छे शब्दों में और अच्छे तरीके से समझाएगा अपने तरीके से और अपने पर्सपेक्टिव से समझाएगा तो मुझे लगता है कि

स्क्रॉल कर सकते हैं बिल्कुल <laughs> 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 बताइए है कि इसमें ना शायरी और पोइट्री में आप डिफरेंस बता सकते हैं थोड़ा देखिए पोइट्री एक अम्ब्रेला टर्म हो गया हुँ? मैं कह रही हूँ कि उसने पोइट्री लिखी है पोइट्री के बहुत ही एडवांसिस हैं शायरी हो गई जब हम यू you नो know, जब आपने दो लाइनें बोल दी शेर बना दिया आम, उसके बाद उसका एक जब शायरी इसका कॉम्बिनेशन बन जाता है तो गजल बन जाती है जब आप फ्री वर्सेस लिखना स्टार्ट कर देते हैं जैसे जो कि यूजुअली मेरी मेरा राइटिंग स्टाइल है जब आप कोई स्कीम फॉलो नहीं कर रहे जब एक टॉपिक फॉलो नहीं कर रहे जब वो स्टार्ट से एंड तक चल रहा है इन अ फॉर्मेट ऑफ स्टोरी बट जैसा कि मैंने स्टार्ट में कहा था टाइम स्टैम्प्स पर चल रहा है आपके आपके उसको सुनाने का लहजा आपके वर्ड्स आपने कितने प्लेस किए हैं पर लाइन एज इन जैसे छः वर्ड्स पर लाइन अगर मैं बोल रही हूँ तो दूसरे में भी छः वर्ड्स पर लाइन होने चाहिए क्यों क्योंकि अगर मैंने वहाँ सात कर दिया तो वो मेरे टाइम स्टैम्प से बाहर निकल जाएगा तो वो सुनने वाला कैच करेगा कि कुछ मिसमैच है तो आ, वो होती है नजम जहां आपने कुछ राइम स्कीम नहीं ढूंढी है बट आपने आपने उसको उसको राइम बना दिया है आपने उसको एक, एक लॉन्ग फॉर्मेट में है वो लॉन्ग फॉर्मेट में है और आपने उसको ना एक सांचे में ढाल दिया तो इतना फर्क है आ, इन सब में बाकी पोइट्री तो होगी अम्ब्रेला टर्म इस सबको कवर करने के लिए अंग्रेजी लफ्ज है वैसे <क्या बात है? तो आप उर्दी बोलिए बड़ा खूबसूरत लग रहा है हाँ, अच्छी है है <laughs> आपका फेवरेट पोएट या शायर कौन है? आ, ऐसे तो बहुत सारे हैं परवीन शाकिर को बहुत पसंद किया है मैंने आ, बहुत फॉलो भी किया है आ, और अहमद फराज किसको नहीं पसंद है सबको पसंद है आ, ये तो हो गया बहुत फेमस वाले और मैं आपको सच बुता ऐसे बहुत से मेरे फेवरेट राइटर्स हैं जिनको मैं स्टूडियोज में मिली हूँ अगर फेमस को साइड पर रखा जाए मैं उनकी राइटिंग से बहुत इंस्पायर हुई हूँ

है ना तो मुझे बहुत ही खूबसूरत लगते हैं ऐसे लोग ऐसे बहुत से लोग हैं जो इतना खूबसूरत ऐसे लिखे हैं आ, दो लाइंस के शेर जिनको मैं ऐसे पोइट्री क्लब्स में मिली हूँ तो जब मैं उनको सुन के घर आती हूँ ना ऐसे पोइट्री क्लब्स में जब जाके तो तब मैं बहुत इंस्पायर होती हूँ कि यार ऐसा कुछ लिखना है कि जहाँ चार लाइन्स में ना मैं खत्म कर दूँ ऐसा मजा आ जाए और मजा मतलब दुनिया में मुझे मजा आ जाए कि क्या बात लिख दी है अल्टीमेटली <laughs> एम यही होता है कि आ, मैंने इसे पढ़ा मुझे खुशी मिल गई कि मैंने क्या ही बात लिख दी है <laughs> तो वो लोग मेरे बहुत फेवरेट हैं ऐसे कुछ राइटर्स हैं जिनको मैं पोएटी हाउसेस में मिली हूँ और उनको सुनना मुझे बहुत पसंद है जब भी मुझे पता चलता है परफॉर्म कर रहे हैं तो इवन अगर मेरा उस दिन परफॉर्मेंस नहीं है मेरा मन करता है मैं जाके उस दिन उनको सुनू क्योंकि मुझे बहुत मजा आता है

जब आप ऐसी शोज में बैठते हो ना इतमान से ऐसा करके तो आपको एक तो आपको ऐसा एकदम से मिलती है रिलैक्स टाइम मिलता है, क्या दो घंटे ऐसे, ऐसे इतने खूबसूरत चार लोगों से मिले तो मेरे लिए तो वो बहुत बढ़िया टाइम होता है बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ वीकेंड मोहब्बत की बात कर रहे थे हम और पूरे पॉडकास्ट में आपकी लाइन से मोहब्बत के ऊपर है तो मैं बस ये समझना चाहता हूँ कि आजकल की जो मोहब्बत है उसके बारे में थोड़ा सा आपका क्या ख्याल है वो बताइए देखिए आजकल की मोहब्बत बहुत किस्म की है मतलब अह मैं मैं, सम, मैं मैं इसको समझूंगी नहीं ऐसे मैं हालांकि मैं समझ गई आपका क्वेश्चन क्या है अह ऐसे भी लोग हैं जो एकदम शायराना मोहब्बत करते हैं जैसे कि हम अभी तक बात कर रहे हैं और ऐसे भी लोग हैं जो जो करते हैं उसको मोहब्बत में डाल ही नहीं सकते तो अगर हमने किसी की शुरुआत ऐसे की है ना आजकल की मोहब्बत तो मोहब्बत मोहब्बत ही है वो आज कल परसों वो मोहब्बत ही रहेगी मोहब्बत एक पाक कॉन्सेप्ट है और अगर हम किसी चीज को मोहब्बत में डाल रहे हैं तो वो मोहब्बत है अब जो आजकल आप कह रहे हैं वो मोहब्बत है ही नहीं ठीक है exactly. वो उस सांचे में आएगी नहीं उसको मैं कह सकती हूँ अगर उसको बहुत ही अगर उसको बहुत ही अप्रोप्रिएटली मैं डिफाइन करना चाहूँ तो मैं कहूँगी लगाव एक लगाव है आपको किसी से किसी भी तरह का आ, लगाव मोहब्बत हो ही नहीं सकता ठीक है मैं हमेशा से कहती हूँ कि आ, ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है ना ये तीन लफ्ज होते हैं बस तीन लफ्जों का अफसाना है इमोशनल एक इंसान का कैपेबिलिटी प्यार इश्क और मोहब्बत प्यार क्या होता है प्यार होता है जो आपको किसी से भी है आप आपके घर पे आपकी मम्मी हैं पापा हैं एक डॉगी है आपका एक दोस्त है बचपन का जिसमें जो आपको मिलता है एक दोस्त है जो ऑफिस में बन गया है जिनके बिना आप रह नहीं सकते जिनके लिए आपको बहुत ही केयर है वो प्यार है क्यों नहीं है आपका प्यार उनसे आप, आप आप उनके लिए उनका ख्याल रखते हैं आपके मन में वो रहते हैं आप उनका भला सोचते हैं ये प्यार होता है इश्क होता है प्यार होता है ऐसा ना एक बहती हुई नदी बह रही है बड़ी प्यारी सी है ये होता है प्यार इतना ही प्यारा इतना ही इनोसेंट इतना ही पाक होता है फिर इश्क होता है इश्क होता है जुनून जब प्यार में ना इस नदी में ना इसे भवंडर सा आ जाए जब इसकी एकदम इसका फ्लो एकदम रश करने लग जाए वो पैशन जो है वो इश्क होता है आशिक बना देता है अब आप अब आप उठ गए हो थोड़ा उससे वो होता है इश्क अब इश्क जो होता है होता है कंडीशनल आपको आप जाने या ना चाहे जाने आपको वो चाहिए इसीलिए जुनूनियत है कि ये मुझे कुछ महसूस हो रहा है और ये यहाँ होना चाहिए और मुझे मेरा बड़ा ही फेवरेट फेज ऑफ लाइफ है मुझे लगता है जिंदगी में अगर आप जुनूनियत से आपने कहीं इश्क नहीं किया तो आपने क्या किया मतलब ये कोई मजेदार बात ही नहीं थी तो बड़ा फेवरेट फेज ऑफ लाइफ है फिर आ जाती है मोहब्बत मोहब्बत होती है इबादत आप उठ गए अब आपको ना अब ये हो गया अनकंडीशनल जब ये नदी में आए भवंडर जब एकदम थम जाता है और वो समंदर बन जाता है तो उसे मोहब्बत कहते हैं आपको अब पाने की इच्छा नहीं रही है अब आप दूसरे की खुशी में खुश हैं आप उस इंसान को खुशी देखना चाहते हैं आप घर बैठे आपके मुंह से एक दुआ एक प्रे मंदिर जाएंगे तो एक छोटी सी या गुरुद्वारा जाएंगे एक अरदास छोटी सी उस इंसान की भलाई के लिए निकल जाती है यार वो जहाँ भी है वो खुश रहे वो ठीक रहना चाहिए हेल्दी रहना चाहिए होती है मोहब्बत जो एकदम अनकंडीशनल है तो अगर हम किसी को मोहब्बत करें अगर आपने वो लफ्ज यूज किया तो जो आज जो आजकल कह रहे हैं वो वो ये हुआ ही नहीं वो कहाँ है ये वो इस वो इस इन तीनों कॉन्सेप्ट में लाई नहीं कर रहा जो हम तीनों कॉन्सेप्ट बोल रहे हैं तो वो हो गया एक लगाव हमें किसी की तरफ एक लगाव है किसी भी तरह का लगाव है और हमें आदत हो गई है और हम अपनी ज़िंदगी में इतना लोनली हैं या हमें वक्त गुजारने का एक जरिया चाहिए तो हमें जैसे यार दोस्त होते हैं हमें ऐसा लगता है कि यार मुझे अच्छा लग रहा है यहाँ पे वक्त गुजारना तो बाई नॉट हम यहाँ पे रह लेंगे तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा और एक एक्चुअली एक और प्रॉब्लम है हमारा इंडियन यूथ ना बहुत ही बढ़िया यूथ है दी ओनली प्रॉब्लम इज हम पर वेस्टर्न इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा है इमोशनली बिल्कुल हम आज हम 90s के किड्स हैं राइट मैं, मैं मानना चाहूँगी मेजरली हमारी जो ऑडियंस है वो <laughs> 90s के हाँ। बिलोंग करती है या अर्ली टू थाउजेंड पर बिलोंग करती है हम सब आज भी जब रील्स देखते हैं ना जो 90s की आती हैं हम उस पर कॉमेंट कर देते हैं नोस्टालजिया हार्ट्स या हम एक दूसरे को भेजते हैं कि यार क्या वक्त था बिल्कुल हम उसको तो देखते हैं देखते हैं क्यों क्योंकि वो मेरे दिल के इतने करीब है क्योंकि वो इतनी प्यारी इतनी इनोसेंट थी हम ये हैं बाय नेचर हम ये हैं पर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब से ये इंटरनेट का एडवेंट हुआ है जब से हमने चारों और चीजें देखी हैं हम इतने इन्फ्लुएंस्ड हैं बाय सम टर्मिनोलॉजीज कॉन्सेप्ट्स की हमने हम उसको अपनी सोसाइटी में या अपने अपने जहन में उसको नॉर्मलाइज करने की कोशिश करते हैं तो आजकल के यूथ की, की प्रॉब्लम क्या है कि वो इनेट तरीके से '90s का किड है जिसे आज भी वो गाने उदित नारायण की आवाज में कुमार सानू की आवाज में बहुत प्यारे लग रहे हैं बिल्कुल, बिल्कुल। प्यार मोहब्बत की बातें हा, हा, हा। या यू you नो know, ऐसा या मोहम्मद रफी के गाने आपको मैं प्ले कर दूंगा तो बहुत अच्छे लगेंगे पर जस्ट बिकॉज आजकल की सोसाइटी ऐसे मूव करती है एंड जस्ट टू लुक वेरी कूल ऑल्सो टू फिट इन ऑल्सो हमने हम खुद को कन्विंस करते हैं कि नॉर्मल है मुझे ऐसा तो होता है? मुझे प्रेशर हो गया है लोगों से प्रेशर हो गया <laughs> आपको कूल दिखना, आप, है वही। कूल दिखना है एक एक अठारह साल के लड़के को लगेगा मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है तो मेरी क्लास में बेजती है मैं, मैं क्या बोलूंगा अपने चार दोस्तों को है ना एक लड़की को ऐसा लगेगा आ, कि अगर मैं ऐसे नहीं दिखी तो मेरी मैं मैं एक्सेप्टेबल नहीं हूँ इन माई क्लास मुझे भी एक टाइम पे लगता था जब मैं टीन थी कि मुझे ऐसे ही रहना है मतलब ये फेज होता है तो मुझे लगता है कि अगर जो हमारा इनेट क्वालिटी था ना हमेशा से जैसे हम थे जितने हम प्यारे नाइन्टीज के बच्चे हैं हम हम अगर वही रहे ना तो उससे ज्यादा खूबसूरत कुछ है ही नहीं हम वही हैं तो आजकल मोहब्बत आज तो आजकल सब जगह एक जैसी होती है आजकल का हाँ जो ये लगाव है मुझे लगता है इसको थोड़ा सा रिविजिट करना चाहिए सबको क्योंकि मुझे लगता है एक्सचेंज ऑफ एनर्जीज इज वेरी रियल okay. अगर मैं आपके साथ बैठी हूं ना हमने एक घंटे का पॉडकास्ट शूट शूट किया है एक्सचेंजिंग एनर्जीज इन दिस यूनिवर्स हमने आ, इस पूरे हम हम एक दूसरे को जान रहे हैं हम और ये होता है सोल्स इंट्रोस्पेक्शन हम किसी को समझने की कोशिश कर रहे हैं दिस इज एक्सचेंज ऑफ एनर्जी आप किसी के साथ बहुत वक्त गुजारे दैट इज एक्सचेंज ऑफ एनर्जी तो थोड़ा बैठ के सोचिए क्या ये इंसान है जिसके साथ मैं जिसके साथ मैं अपनी एनर्जी एक्सचेंज करना चाहूंगा या चाहूंगी इज दिस पर्सन इवन वर्थ इट और मुझे लगता है कि हमारे यूथ में अभी इतना डिप्रेशन इतना मेंटल हेल्थ uh, का इतना इशू है जो पहले हमारे माँ बाप को नहीं पता होगा ठीक है हाँ। तो uh, आज ज्यादा जरूरत है है सोचने की कि मेरे आगे पीछे मेरा क्राउड कौन है। चाहे मोहब्बत में चाहे दोस्ती में चाहे जैसे भी है सोसाइटी है जैसे भी है आपने डिप्रेशन की बात की बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये टॉपिक अभी के लिए क्योंकि हर कोई डिप्रेशन में, जो अभी में आए भी नहीं है स्कूल में डिप्रेशन में जा रहे हैं कॉलेज टाइम में डिप्रेशन है जॉब में डिप्रेशन है हर चीज में डिप्रेशन है मोहब्बत में भी कहीं कही कही ना कहीं मैं कहूंगा मोहब्बत तो नहीं लगाव में क्योंकि आपने मोहब्बत को इतने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया अब मेरा मन नहीं कर रहा है उसको मोहब्बत बोलने का तो नहीं बिल्कुल सही है, है। लगाव में इतना ज्यादा डिप्रेशन है तो ये ऐसा क्यों हो रहा है कंडीशनिंग की वजह से हो रहा है या फिर हम ज्यादा ज्यादा चीजों को फॉलो कर रहे हैं बहुत ज्यादा ऐसी वेस्टर्न चीजों को देख रहे हैं मल्टीपल रीजंस एक्चुअली मल्टीपल रीजन मल्टीपल रीजंस हैं एक तो क्या हो गया कि पीयर प्रेशर हो गया बिल्कुल uh, आपको कोई नहीं कहेगा आप खुद में भी एक प्रेशर लोगे कि मुझे फिट इन होना है हुँ, ठीक हुँ, है ये खुद में भी एक चीज चल रही है जब तक आप उस स्टेज पे ना पहुंच जाओ जैसे जब तक आप इस एज पे ना पहुंच जाओ जहाँ आप गिव अप कर देते तो मुझे नहीं फिट इन होना मैं ऐसे ही हूँ जैसा हूँ जै, या जैसी हूँ ऐसी हूँ वो इनिशियल का एक प्रियर प्रेशर रहता है फॉर लॉट ऑफ थिंग्स ऑल्सो बिकॉज हमारे नाइनटीज के बाद एक इमिडिएट शिफ्ट हुआ है पैराडिम में लाइफ में ग्रोथ में हमारे पेरेंट्स हमारे ग्रैंड पेरेंट्स ऐसे चल रहे थे पेरेंट्स ऐसे चल रहे थे हम एकदम से ऐसे हो गए हैं बिल्कुल ग्राफ हमारा एकदम ऐसा एकदम एक तो हमारा जनरेशनल गैप हमारे मतलब हमारा जो हमारे पेरेंट्स का जनरेशनल गैप है विजिवी जो हमारे पेरेंट्स का अपने मतलब अपने पेरेंट्स के साथ जनरेशनल गैप था हमारा वाला उनसे काफी ज्यादा है बहुत बहुत डिफरेंट हो गया तो हमें लॉस्ट भी फील होता है इन आर जर्नी बिकॉज हमें लगता है कि हम बहुत से कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे उनको हम अपनी बहुत सी चीज़ें उनको समझा ही नहीं पा रहे हैं हमारे लाइफ जितनी डिफरेंट हो गई हैं हम पे आ, एजुकेशन प्रेशर इतना डिफरेंट हो गया आजकल आप नाइनटी नाइन परसेंट पे भी कुछ नहीं है ठीक है मतलब तब भी बच्चों को हारा हुआ फील होता है वो उनको नहीं लगता वो अच्छी वो एक अलग प्रेशर है इमोशनली आप बहुत ही डिस्ट्रॉयड हैं क्योंकि जब से एक्चुअली पहले क्या होता था कि अगर आपको कोई पसंद है ना आप वेट करते थे कि वो ना शाम के चार बजे एक ट्यूशन क्लास पे जाता है या जाती है मैं मतलब उसको देखूंगा यू नो you know, या उससे भी पहले जाए तो वो ना इस टाइम पे छत पे आता है आती है तो मैं उसको देखूंगा पहले ये जरिए आजकल हंदी। क्या है कि सब कुछ हैंडी है आप इंस्टाग्राम पे सर्च करेंगे फेसबुक पे सर्च करेंगे मिलेगा आप फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजेंगे कुछ भी करके डिजिटली देख सकते हो वहां नहीं हुआ ध्यान पहले क्या होता था ध्यान डाइवर्ट करना उस लड़की से चार दोस्तों बात करने के बाहर जाएंगे आजकल क्या है वहां नहीं तो दूसरी जगह फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज देंगे हमारे ना लाइफस्टाइल इतने ओपन हो गए हैं और हम ना ट्राई कर रहे हैं एवरी नाउ एंड देन टू एस्केप ये नहीं हो रहा ये करते ये करते हम इतना भाग रहे हैं ना कि अल्टीमेटली हम हैं अकेले जब हम हम, हम हमारा यूथ हो पांच मिनट बैठ नहीं सकता ऐसा इंक्लूडिंग नहीं हम ऐसे बैठ नहीं सकते क्यों क्योंकि हमें हमारे थॉट्स ही खा जाएंगे हमें पता ही नहीं हम क्या कर रहे हैं हम बस किसी रैट रेस में हैं यू नो इससे यही तो है डिप्रेशन हुँ। हमें हमें ठहराव है ही नहीं मैं मैं इस चीज का इस चीज को मानती हूँ कि की जॉब अगर आप ले रहे हैं और आप अपने होम टाउन पे अपने माँ बाप के करीब है ना हु. और आप अपना घर ठीक ठाक चला रहे हैं तो आप बहुत है में। ठीक है? पर आप पे चार लोग इतना प्रेशर डालेंगे ना कि अरे तू बाहर नहीं गया बाहर तो इतने बड़े बड़े क्लब्स है मैं तो इतनी महंगी दारू पीता हूँ या मैं तो इस क्लब में भी जाता हूँ अरे तूने ये नहीं किया है क्या अरे ऐसा नहीं किया तो आपको निट लगेगा अरे पता नहीं क्या मिल रहा है बाहर क्या जिंदगी जी रहे हैं जो मैं मैंने मिस आउट कर दी तो हम पे इतना प्रेशर डाल दिया गया है कि आप फर्क लगता है लोगों को आपकी जिंदगी में ना टेंशन नहीं भी होगी ना अब आप पीपल विल पुट टेंशन तो आप टेंशन लेना स्टार्ट कर देंगे कि नहीं मैं तो लूजर ही हूँ लाइफ में मैंने कुछ नहीं किया है हालांकि आप अपना घर ठीक ठाक संभाल रहे हैं इतना ही चाहिए होता है खुश रहने के लिए आ, एक या दो लाख की सैलरी आपको खुशी नहीं देती है खुशी की गारंटी नहीं देती है तो ये आपको थोड़े वक्त के बाद ही समझ आता है तो मुझे लगता है हमारा सोसाइटी अभी इतनी ड्रास्टिकली चेंज हुई है ना कि हम सब एकदम लोनर्स हो गए हैं एकदम डूब गए हैं तो डिप्रेशन <laughs> 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 कितने अच्छे से एक्सप्लेन किया है <laughs> बात करने में बड़ा मजा आ रहा है आजकल एक और प्रॉब्लम अब चलो यूथ की जरा बात हो रही है तो थोड़ी थोड़ी कुछ कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स है जो हम सभी देखते हैं कि आजकल लोग आसपास फेस कर रहे हैं आप जैसे इको प्रॉब्लम बड़ी होती है इसके वजह से रिलेशन टूट जाते हैं जिसको लोग प्यार बोलते हैं अगर वो प्यार था तो मुझे मेरे हिसाब से जिस हिसाब से आपने एक्सप्लेन करिए कि अगर वो मोहब्बत थी तो वो छूटनी नहीं चाहिए थी

शांत और रूहानियत ही होती है मोहब्बत रूहानियत ही होती है आपकी इमोशनल केपेबिलिटी टू एनी ह्यूमन प्यार मोहब्बत लगाव या एक नॉर्मल अच्छाई काइंडनेस सब रूहानियत है सब सब एक अच्छे इंसान से ही आती है ठीक है ना मतलब जरूरी नहीं आप एक राह चलता है गरीब आदमी देखेंगे आपको उसकी तरफ प्यार इश्क मोहब्बत नहीं आ रहा है एक अच्छाई है आपका मन कर रहा है कि मैं उसकी मदद करूँ ये वो ये रूहानियत रूहानियत से सब निकल कर आता है सब बिखरता है ईगो जो है और ये रूहानियत का ही मतलब है गॉड आपके अंदर खुदा बसा है वही आपको एक ये एक एंगल दे रहा ऑफ लाइफ वही आपको इतना खूबसूरत बना रहा है ईगो का मतलब है एंड ऑफ गॉड आपके अंदर की रूहानियत खत्म हो गई आपने आप में मैं हम से ज्यादा बड़ी हो गई hmm. मैं इतनी आ गई आप में मैं मैं यू you नो know, तो वो मैं जो है ना वो और मोहब्बत में मैं आ जाए मतलब ये इस पर तो मैं ऐसा पूरा दो आपके पॉडकास्ट और निकाल दूंगी <laughs> मोहब्बत <laughs> में मैं तो मतलब मुझे समझ नहीं आती मैं तो है ही नहीं या तो तू है या हम है मैं तो है ही नहीं मोहब्बत में मैं तो, <laughs> मैं तो मैंने जैसे स्टार्ट में कहा था मैं तो घुटने पे है <laughs> नो या तो तू है या हम है या कुछ नहीं मैं तो हूं ही नहीं मोहब्बत में तो मैं जो है ना अना जो है ना इसका मोहब्बत से कोई नहीं है इसका कोई लेना देना नहीं। अगर आपके मन में और जैसे कि आपने कहा ना कि अगर मोहब्बत ही छूटनी नहीं चाहिए है कि होता है ऐसे कुछ हुआ होगा कोई ऐसा कई चीजें होती हैं जिसके चलते कोई चीज नहीं हुई आपने चाहिए तभी अगर मगर और काश में आप फंस जाते हैं तभी ऐसे द सर्कल ऑफ लाइफ कैसे सर्कल क्लोज हो रहे ऐसे ही होता है पर अगर आपकी मोहब्बत इस वजह से गई है क्योंकि आपने उस पर्टिकुलर वक्त पे आपके अंदर मैं आ गई थी तो वो तो एंड ऑफ गॉड थी वो तो आपने ख़त्म किया वो की चीज़ को जब आप कहते हो ना मोहब्बत तो इस लव्स का ही मतलब है एकदम अनकंडीशनल आप आप खुद को सेंटर बना ही नहीं सकते आपकी ज़िंदगी का मरक़ कोई और है या वो रिश्ता है आप हो ही नहीं आप और ये नेचुरल प्रोसेस है मुझे नहीं लगता ये आप सिखा सकते हो किसी को आपको खुद में होगा कि इसको क्या खुशी मिलती है ये क्या चाहता है या चाहती है यू you नो know, मैं मैं ऐसा क्या करूं कि इसको बुरा ना लगे हम ऐसे ही करते हैं पर अगर मैं बोलूँ ना कि मैं ही मैं हूँ मैं क्यों हट, मैं ऐसे हटी पे रहूं मैं क्यों इसका सुनूं या मैं क्यों इसको मानूं ऐसा तो वो आपने गवाही है खुद गवाही है तो मोहब्बत में अना का और मुझे लगता है अना का कहीं भी लेना देना इतना नहीं होना चाहिए सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस है बहुत ही रेलिवेंट डिफरेंस है सेल्फ स्टीम होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए ईगो नहीं होना चाहिए किसी भी चीज में कहीं भी और मुझे और एक और चीज होता है लहजा।, लहजा आप कहीं भी अपनी बात कह सकते हैं कहीं भी कहीं भी कह सकते हैं आप रख कैसे रहे हैं मायने रखता है अगर मैं ये भी कहना चाहती हूँ ना कि मुझे ना बिल्कुल पसंद नहीं आया आपने अभी क्या कहा और अगर मैं ऐसे ही कहूंगी ना आपको कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया आपने क्या कहा तो आप बुरा नहीं मानेंगे शायद आप बोलेंगे कि अच्छा ठीक है बताओ क्या कर सकते हैं या शायद अगर आप बुरा भी मानेंगे तो एक छोटे पैमाने पे जिसको मैं रिजोल्व कर सकती हूँ पर अगर मैं 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 बात करूंगी ना तो वो चीज हमारे एक बहुत ही हीटेड एंगल लेगी और इससे बहुत सारी चीजें बिखरती हैं तो कोई भी चीज को टैकल करने का तरीका हमेशा मोहब्बत हो सकती है मैं नहीं हो सकती है। <laughs> 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 क्या बात है एंडिंग भी आपने बिल्कुल एकदम सर्कल ऑफ लाइफ बिल्कुल, बिल्कुल।

<laughs> बस यही डेफिनेशन ऑफ लव है इससे ज्यादा कुछ है नहीं की मुझे तो ये भी लगता है कि इसकी कोई डेफिनेशन भी नहीं है हम हम एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते परफेक्ट कुछ है है ही नहीं नहीं परफेक्ट परफेक्ट कुछ कुछ भी, नहीं है। कुछ भी नहीं है। कुछ होता ही नहीं है hmm. जैसे फॉर कुछ नहीं होता hmm. आ, वैसे ही मुझे लगता है कि परफेक्शन नहीं है परफेक्शन हम ढूंढ लेते हैं इश्क में मोहब्बत में hmm. होता कुछ नहीं जैसे हम फॉर ढूंढ लेते हैं हम कह देते हैं किसी को कि तुम्हारे साथ तो ई विल लव यू फॉर एवर एन एवर फॉर एवर है ही नहीं हमारे हाथ में हमारा मतलब ये होता है टिल टाइम अलाउस जब तक वक्त साथ देगा हम आपके हैं जब तक वक्त साथ देगा जब तक जिंदगी साथ देगी तब तक, तक आपके हैं। तो डेफिनेशन ऑफ लव मैं आपको मैंने आपको शायरी के रूप में एक्सप्लेन कर ही दिया परफेक्ट uh, कुछ भी नहीं है परफेक्शन आपको जस्ट बिकॉज आपको कहीं लव है कहीं मोहब्बत है वो आपके लिए एनी anyway वे वो चीज परफेक्ट हो जाती है क्यों क्योंकि वहां के फ्लॉज वहां पे जितनी भी चीजें जो खलती हैं आपको आप आपने उनसे भी उनको भी अपना लिया आपने उनसे भी मोहब्बत कर लिए तो आपके लिए सब परफेक्ट हो गया आपके लिए सब खूबसूरत हो गया अब ऐसा होता है क्या कि हमारे फैमिली से झगड़ा नहीं होता बहुत झगड़ा होता है भाई बहन से झगड़ा नहीं होता बहुत झगड़ा होता है पर आप आपके लिए वो परफेक्ट है आप कभी अपना सिबलिंग एक्सचेंज करना नहीं चाहेंगे <laughs> आप, आप चाहेंगे मेरा भाई यही हो मेरी बहन यही हो मेरे माँ बाप यही हो ठीक है क्यों क्योंकि आपने वो जो चीजें आपने उनको एक्सेप्ट कर लिया, आपके लिए वो प्यारी हो गई तो आ, मुझे लगता है परफेक्ट क्या होता है परफेक्ट तो anyway, हो उतना ही परफेक्ट है क्या बात रिलेशनशिप <laughs> एडवाइस अरे सिंगल इंसान से रिलेशनशिप एडवाइस आप, आप सोचिए मतलब मैं, मैं एक से पूछ रहा हूँ oh, <laughs> पोइट से रिलेशनशिप एडवाइस कभी मत लीजिए Okay. क्योंकि वो इतना दिलहारा इंसान है उसके <laughs> उसके रिलेशनशिप पे आप सामने वाला भी पॉइंट बन जाएगा <laughs> उसका anyway, apart, मुझे ऐसा लगता है ओनली सी रिलेशनशिप मुझे लगता है प्यार हो मतलब होना ये तो लाजमी है अगर आप अगर आप सच में दिल से पाक हैं अगर आप रखते हैं वो रुझाव कि मुझे ऐसा चीज चाहिए जिंदगी में उसको एक कल्बिनेशन मिल जाए दुनियादारी के लिए दुनियादारी का ठप्पा ही होता है शादी कुछ नहीं होता, होता। exactly. ठीक है हाँ. उसको एक कल्मिनेशन मिल जाए उसको एक रूप मिल जाए दुनियादारी के लिए वो तभी होता है अगर आप लकी हैं ठीक है ठीके? अगर आप लकी रहे तो वो आगे मिलेगा नहीं लकी रहे तो वेलकम uh, टू <laughs> <laughs> इतना हो जाएगा <laughs> तो रिलेशनशिप <laughs> एडवाइस तो, इतनी है। मुझे लगता है कि uh, कोई कि, कोई किसी चीज का वक्त नहीं जानता कि ये चीज मेरे साथ कब तक है किस वजह से कल को क्या हो जाएगा कि ये चीज़ मेरे हाथ से छूट जाएगी शायद मैं कुछ गलत कर दूं शायद वो कुछ गलत कर दे शायद हालात कुछ गलत कर दे चाहे शायद वक्त कुछ गलत कर दे कुछ भी हो सकता है शायद कोई कुछ गलत ना करे और हम रह जाए तो मुझे लगता है कि उनकी सब कुछ इतना अनप्रडिक्टेबल है ना एक ही रिलेशनशिप एडवाइस है कि आ, थाम के रखिए कि अगर मैंने कहा है कि ये चीज़ मेरी है उसे बनाने की कोशिश करिए अना को कम करिए जो हमने पहले डिस्कस किया मैं नहीं होनी चाहिए हम जब तक आपके माइंड का फोकस हम है ना कि हम हैं हम ये दिक्कत आ रही है हमें मुझे नहीं ये दिक्कत अगर सॉल्व करेंगे किसके लिए हमारे लिए जब वो हम लव्स को आप इनकॉर्पोरेट कर लेंगे ना अपने रिलेशनशिप में चीज़ें बहुत बेहतरीन हो जाएंगी बाकी जब मैं कह रही हूँ बेहतरीन चीज़ का इक्विवेलेंट नहीं है कि वो फरेवर हो जाएंगी ये ये गारंटी तो कोई नहीं लेता ये गारंटी तो खुदा नहीं लेता ये कोई नहीं लेता पर जितने भी वक्त रहेंगे बहुत खूबसूरत रहेंगे वरना <laughs> ये जिस तरीके से आप जिस लहजे से एंड ऑफ जो है है ना वो बड़ा कमाल का है। आपके भी कुछ फेवरेट लाइन होंगी जो आपके दिल के बहुत करीब होंगी हो सकता है वो आपके खुद के लाइन हो हो सकता है वो आप किसी को सुनती हो तो क्या है कुछ आप बताना चाहे तो मेरी खुद की लाइन्स अपनी लाइन्स तो सबको प्यारी होती हैं Uh, मैंने जो जो भी लिखा है मुझे मतलब बहुत करीब है मेरे दिल के और uh, क्योंकि मैंने वो कुछ भी किसी के uh, कहने पर uh, नहीं बनाया था वो ऐसी बहुत सी चीज़ें जो मैंने अभी परफॉर्म की हैं लिखी मैंने वो 2016 से पहले थी 2014 में 13 में तब लिखी थी आज परफॉर्म की तो ऑफकोर्स वो बहुत करीब है जब आज मैं uh, चार लोगों को बोलता सुनती तो मुझे याद आता है कि मैंने ये कब लिखी थी जब मैं स्कूल के बेंच पर बैठी थी इमेजिन तो वो प्यारी लगती हैं बट हाँ

जरूरी है अः मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप किसी के साथ बहुत बहुत ज़्यादा ज़्यादा देर तक लंबे समय तक बात वक्त गुजार सकते हैं बहुत ज्यादा बातें शेयर कर सकते हैं और लंबे समय तक रह सकते हैं और एक दूसरे को बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं अभी एक गुस्सा कर रहा है तो दूसरा शांत हो जाए दूसरा गुस्सा कर रहा है तो बस इसी को कहते हैं ना अना का, का कम होना जो हम बात कर रहे हैं वो एक्सेप्टेंस लिया है जो बोल रहे हैं मुझे लगता है यही मोहब्बत है कि आप हाँ आप उसको एक्सेप्ट कर लीजिए कि भाई ये ऐसा ही है और

तेरा मजबूर कर देना और मेरा मजबूर हो जाना बस इतनी ही मोहब्बत है क्या कि तूने किसी चीज के लिए मुझे मजबूर कर दिया और मैं एकदम हार के बैठ गया मेरे पास और कोई रास्ता ही नहीं था हम मजबूर हो गए इतनी सी मोहब्बत है तो ये <laughs> मेरी बहुत फेवरेट लाइन है और भी दो तीन मेरे कुछ बहुत ज्यादा फेवरेट मतलब कुछ ऐसे शेर हैं जो मेरे मन में रह जाते हैं हमेशा और मैं वो बहुत बोलती रहती हूँ एक है कि सूखे पत्तों सी बिखरी पड़ी थी मेरी जिंदगी किसी ने समेटा आपकी फेवरेट लाइंस <laughs> अरे ऐसे में जगजीत सिंह की गजल बहुत सुनती हूँ गुलाम अली की बहुत सुनती हूँ मेरी एक बड़ी फेवरेट गजल है अगर कोई सुनना चाहे इस पॉडकास्ट के बाद जरूर सुनीगा की कभी यूं भी तो हो Uh, बैजक जीत सिंह तो मुझे वो बहुत ही उम्दा लगती है बहुत ही बढ़िया और कई ऐसे सॉन्ग्स भी हैं uh, जिनकी राइटिंग कमाल की हुई है कोई गाना उन, मतलब बहुत ही कमाल की राइटिंग है uh, एक बहुत फेमस एग्जांपल लेती हूँ मितवा गाना मैं ये बहुत उठाती हूँ एक तो ये गाना इतना खूबसूरत है दूसरा ये गाने का जो पिक्चराइजेशन है कॉन्सेप्ट है ऑफ दिस सॉन्ग वो यही है कि वो uh, इतने ऐसे असमंजस में फंसे हैं ऑफ लाइफ कि उनको एक एक इंसान मिल गया जिसके साथ वो जहनी तौर पे कनेक्ट कर रहे हैं पर वो उससे पहले दुनियादारी वाले डिसीजंस ले चुके हैं अब उन्हें समझ नहीं आ रहा कि अब जो दुनियादारी से परे मुझे महसूस हुआ मैं इसका क्या करूं क्यों क्योंकि अब तो मैं सोशली अनएक्सेप्टेबल हो जाऊंगा या हो जाऊंगी तो वो एक थर्राहट है अंदर वो घबराहट है अंदर वो कर नहीं पा रहे हैं उनको एक दूसरे की तरफ लगाव है बट एक झिझक है क्यों क्योंकि उनके सोशली उन्होंने कुछ डिसीजन लिए हैं तो आ, उस पर उन्होंने एक लिखी है लाइन मितवा में कि तेरी निगाहें पागी राहें पर तू ये सोचे जाऊं ना जाऊं ये जिंदगी जो है नाचती तो क्यों बेड़ियों में है तेरे पाँव तो मुझे ये बहुत पसंद है प्रीत की धुन पर नाचले पागल उड़ता अगर है उड़ने दयांचल ये मुझे इतनी प्यारी लाइन लगती है ना उड़ता अगर है उड़ता अगर है उड़ने दयांचल की आंचल हम लेके चलते हैं कि हमारी आबरू बचाता है, है� इज्जत बचाता है आंचल मतलब आप आप एकदम सहमे रहो वो से कह रहा है उड़ता है अगर आंचल तो उड़ने दे कि का है कोई अपने को ऐसे तरसा है कि जाके जिंदगी जी ठीक है कि थोड़ी देर के लिए भूल जा कि कोई रूल है कुछ भी है क्योंकि तेरी निगाहें पागीरा है यही तो एक रहा है <laughs> तो ऐसी कई कई लोगों ने ऐसी कुछ कुछ चीजें लिख दी हैं जो मैं कभी सुनती हूँ तो मेरे माइंड आता है कि क्या क्या ही लिख दिया मतलब कितनी बढ़िया बात लिख दी तो आ, कुछ बिल्कुल लगता है कि से लिखी है। बहुत से लिखी। ही उसके लिरिक्स इतने प्यारे लिखे हैं उन्होंने एक उसकी लाइन है शकील आजमी किसी गाने की कुछ ऐसी है कि तेरे करीब आकर हो गए काशना कि जस्ट बिकॉज तेरे करीब आए तो मेरी ऐसे पूरी रूह तक हम एकदम निखर गए तो मुझे लगता है एक एक लाइन इतनी खूबसूरत है एक और गाना है उसकी एक लाइन है कि आ, यादों के जख्म पर जिंदगी मरहम। कितनी ब्यूटीफुल लाइन है आप बताइए बहुत खूबसूरत कि जब यादें हैं वो जख्म है तो आने वाली जिंदगी उस पर एक मरहम ही है आप निकाल देते हैं अपना वक्त तो वही अब तो दुनियादारी से रोशन हमारा बसेरा बस ही है ये तो मुझे ऐसी लाइंस बहुत पसंद है है मुझे ये सब बहुत करता है। बहुत अट्रैक्ट करता खूबसूरत बहुत ही ज्यादा जिस तरीके से जिस लहजे से जिस खूबसूरती से आप बया करती हैं चीजों को वो बड़ा खूबसूरत होता है तो बड़ा मजा आया आपके साथ बात करने में और मुझे लग रहा है कि हम अभी भी बैठ के बहुत देर तक बात कर सकते हैं अब क्योंकि हमारा एपिसोड एक ही घंटे का है तो हमें कहीं ना कहीं तो रुकना ही पड़ेगा तो अभी बस एपिसोड एंड uh, करने से पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपके कोई अपकमिंग शोज या कुछ भी है या कहीं uh, कैसे देख सकते हैं आपका शो या कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट है या आने वाला है उसके बारे में अगर कुछ शेयर करना चाहें तो अपकमिंग um, प्रोजेक्ट्स uh, ऐसे तो अभी मतलब पहले से कुछ uh, कर लिया है कुछ कुछ शूट तो वो आहिस्ता रिलीज होगा अपकमिंग शोज अगर आप लाइव आना चाहें तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा लोगों से मिलकर बात करके डेफिनेटली प्लीज प्लीज डू तो yeah. वो बहुत अच्छा रहता है तो आ, उसके लिए मैं अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर देती हूँ मेरे को भी ना बिल्कुल एक महीने पहले गारंटी नहीं होती है कि उस दिन तक वो सॉलिडिफाई होगा कि नहीं <laughs> तो आ, मैं वो आ, कर देती हूँ वहाँ पे पोस्ट कर देती हूँ अगर आप आना चाहें तो आप उसके थ्रू अगर लिंक डला है तो लिंक के थ्रू आप अप्लाई करें डायरेक्टली। हाँ, <laughs> तो लो कर हाँ, लोग आप किसी और के पास कोई भी तरह की और खूबसूरत बातें हैं जो बताना चाहें तो एम ऑल इन फॉर दैट मुझे बहुत अच्छा लगता है लोगों का एक्सपीरियंस जानना इनफैक्ट ऐसा भी हुआ दो तीन बार मेरे पास ना बहुत रैंडम पीपल ज़िंदगी कोई बात सुनाई है तो मुझे अच्छा लगता है, कि अच्छा है। इनबॉक्स पे जाके मुझे अपनी लाइफ का कोई एक बात बोल दी जो उसको तकलीफ दे रहा था क्योंकि इनफैक्ट एक बार मुझे एक वॉइस नोट आया था फ्रॉम अ गर्ल इन पंजाब जिसको मैं नहीं जानती उसने पूरा पंजाबी में वॉइस नोट भेजा था और उसने कहा था कि मैं जब भी अकेले बैठती हूँ ना तो मेरे मुंह से आपके लिए अरदास निकलती है क्यों क्योंकि मैंने आपका मुसाफिर सुना था और मैं वो के बहुत रोती हूँ और भगवान आपको खुशी दे और अगला वॉइस नोट एक मिनट कहते भगवान को खुशी दे भगवान आपको खुश रखे भगवान आपको ये <laughs> वो इतना प्यारा था तो मतलब मुझे लगता है इंसान इसी के लिए जीता है आर्टिस्ट यही कमाता है देखो यही होता है और आर्टिस्ट है। के मुझे हर इंसान को इंसान एक इंसान ही कमाता है बिल्कुल और कुछ नहीं रहता आपके साथ तो मुझे ये चीजें बहुत प्यारी लगती है तो ऑफकोर्स अपकमिंग शोज के लिए या किसी भी तरह के कॉन्टेक्ट के लिए आप uh, मेरे सोशल मीडिया हैंडल पे रीच आउट कर सकते हैं एंड अगर गॉड विलिंग गुफ्तगू के लिए <laughs> बिल्कुल बिल्कुल बहुत मजा आया मनता आपके साथ बात करके और मैं स्ट्रॉन्गली कहना चाहूंगा कि आपके साथ दूसरा पॉडकास्ट में बिल्कुल करना चाहूंगा जब भी आप फ्री हैं जब भी हमारा टाइम लगे हम जब के भी बिल्कुल आप फ्री हैं सर आप बताइएगा जरूर बैठेंगे ऐसा कुछ So, आज के इस एपिसोड को यहीं पे यू सो मच सो मच सीरियसली थैंक यू सो मच और उम्मीद करता हूँ आपको भी उतना ही मजा आया होगा जितना हमने यहाँ पे कॉन्वर्सेशन को एंजॉय किया तो आज के लिए बस इतना ही और थैंक यू थैंक यू, यू सो मच लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अगर आप कर सकते हैं तो उससे बहुत मोटिवेशन मिलती है एंड बस और ये काम मुझे पसंद है मैं ये करता रहूंगा थैंक यू